क्या जब आप प्याज काटते हैं तो रोते हैं, जब आप टमाटर काटते हैं तो वो मैश हो जाता है, मिर्च काटते समय आपकी आंखों में जलन होती है, तो आप ये खरीदिए बहुत अच्छा स्लाइसर। इसकी कीमत है 1499 रुपए, लेकिन अगर आप इसे 5 मिनट में ऑर्डर करते हैं तो ये मिलेगा आपको 625 रुपए में। ये लेटेस्ट शार्प एज टेक्नोलॉजी है। अब सब्जियां आप अपनी पसंद से काटिए। बडालिया स्लाइस विजर्ड। वाओ, ये सिर्फ सब्जियों के लिए नहीं और किस चीज के लिए है? वाओ, बडालिया स्लाइस विजर्ड, इससे आपको किचन जन्नत लगेगा। बडालिया स्लाइस विजर्ड। कट इट। टेक बहुत अच्छा था वेंकी। डायलॉग ठीक था ना? परफेक्ट। तुम्हारा आज का काम हो गया। क्यों वेंकी, काम एंजॉय कर रहे हो ना? तुम्हारा मतलब टेली शॉपिंग एंकरिंग से है? पता नहीं यार, कब तक ये सब करना पड़ेगा। कब से ये काम कर रहे हो? मार्च के एंड तक 4 साल हो जाएंगे। इसका मतलब अब तक तुम टीवी के फेमस एक्टर हो चुके होगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मुझे पहचानता तक नहीं है। सच कह रहे हो? इतना टाइम हो गया फिर भी कोई नहीं पहचानता? मुझ पे विश्वास नहीं है, मेरे साथ आओ। यहाँ पे आप में से कोई मुझे पहचानता है क्या? बुरा मत फील करो वेंकी, मैंने सुना है ऑफिस में कई लड़कियां तुम्हारी क्लोज फ्रेंड्स हैं, हैं? शर्मा गए ना? वेंकी, आज शाम को क्या कर रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। काम बताओ। छोटी सी शॉपिंग, इस बार साड़ी लेनी है, तुम्हारा सिलेक्शन अच्छा होता है। अरे यार, तुम अपनी साड़ी मुझे सेलेक्ट करने के लिए कैसे कह सकती हो? मैंने किसी और को अपॉइंटमेंट दे रखी है, सॉरी। इतनी अच्छी लड़कियों के बीच में भी तुम्हारा मन नहीं लगता? छह, नौकरी और लड़की दोनों अलग हैं। मैं बस जॉब नहीं करना चाहता यार। मैंने क्या क्या नहीं सोचा है करने को, लेकिन कर नहीं पा रहा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? मेरे पिताजी का नाम है एन भानुमूर्ति। उनका नाम तो सुना होगा ना? भानुमूर्ति मतलब वो जो दूरदर्शन में? हाँ भाई, मैं भी उनकी तरह एक फेमस न्यूज रीडर बनना चाहता हूँ। अच्छा है, लेकिन आजकल वो दिखाई नहीं देते। 1991 में एक केबल टीवी की शुरुआत के बाद वो पैरालाइज्ड हो गए। उसके बाद उनकी बोलने की एबिलिटी खत्म हो गई। ओहो, अभी उनका इलाज कैसा चल रहा है? हर संडे उनका 1 घंटे का सेशन होता है। बंगाल की खाड़ी में आया एक और तूफान, तटीय लोग काफी दहशत में हैं। श्री वेंकट नायडू ने कहा है वो 4 राज्यों में चुनाव जीतेंगे। इस बात से साफ इनकार कर दिया मैडम सोनिया ने। प्याज 100 रुपए, पेट्रोल 80 रुपए लीटर, डॉलर 70 रुपए पहुंच गया। आप लोगों ने देखा रेट कहां तक पहुंच गए हैं? देखा आपने क्या रेट पहुंच गया? गैस कंपनियों के विवाद को लेकर सरकार और तेल कंपनियों में विवाद की स्थिति, विराट कोहली के शतक की वजह से भारत ने सीरीज जीत ली है। अब समाचार समाप्त हुए, मिलते हैं अगले रविवार इसी समय। नमस्कार, आपका अपना एन वेंकटेश्वर राव। इतना इम्प्रूवमेंट वो भी 10 सेशन में, वो 40 और सेशन तक नॉर्मल हो जाएगा। तुम्हारे पापा जब खबर पढ़ते थे तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तुम भी उन्हीं की तरह फेमस हो जाओगे। अरे रे रे, वैसे मैंने चैनल में सुना है तुम काम बहुत अच्छा करते हो, बुलेटिन समाचार क्यों नहीं शुरू करते? मैंने पहले भी किया है सर, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है। मेरे और समाचार पढ़ने वालों के बीच में 2 राक्षस खड़े हैं। वो कौन है? पहला वामन राव है। क्या लाइयो? फ्राइड राइस। मेरी बात सुनो, अगर तुम न्यूज रीडर बनना चाहते हो तो जो तुम कर रहे हो वो काफी नहीं है, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम सारा दिन वक्त बर्बाद करते रहोगे तो शाम को तुम्हें न्यूज कौन देगा? सुनिए वामन राव जी, अगर आप इस आवाज में खबर पढ़ेंगे ना तो आपको डबिंग करवानी पड़ेगी। आप देखना सर जी, आज रात के समाचार मैं पढ़ूंगा। ए लड़के, खबर पढ़ने के लिए सिर्फ आवाज की जरूरत नहीं होती है, तुम्हारे दिल में ईमानदारी होनी चाहिए, बिना किसी डर के कोई भी खबर कहने की हिम्मत होनी चाहिए, और उससे भी ज्यादा इन अफेयर्स को मत जानो, बल्कि जानो करंट अफेयर्स। और दूसरा आदमी कौन है? मेरे बॉस, ये उदय भास्कर जी। ये क्या उदय, तुम फोटो में अकेले क्यों खड़े हो? मैं बचपन से ही ऐसा हूँ, थोड़ा अलग हूँ। हाँ, वेंकी ने मुझे बताया। वेंकी ने आपको क्या बताया और किस बारे में? उसने कहा कि तुम इंसानों से नफरत करते हो और हर संडे चिड़ियाघर भी घूमने जाते हो, तुम लोगों से बात करने का तरीका भी नहीं जानते, खासकर लड़कियों से। वो पागल है, उसे मैंने न्यूज रीडर नहीं बनाया ना, इसलिए ऐसा बोला होगा। और क्या कहा उसने? तुम्हारे पास वो सब है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन जब से तुम्हारी माँ नहीं है तब से तुमने हॉस्टल में पढ़ाई की है और इसी वजह से ऐसे हो गए। एक मिनट को। अरे मैं क्या किया? जो ऑफिस में ऐसी हरकतें करते हैं ना, मुझे उनसे नफरत है। तुमको जलन होती है कि लड़कियों के साथ वो घोल मिलकर बात करता है? नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, सब कुछ इस किताब में लिखा है। ऐसी किताबों को पढ़कर लोग थप्पड़ ही खाते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता, आप देखना चाहते हैं? फ्रेंड्स, ये एक अच्छी प्रेजेंटेशन थी, चलो अब लंच के बाद मिलते हैं। ओके।
केटी, या? क्या मैं तुमसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? हाँ बताइए। हम डेट पे कब जा रहे हैं? एक्सक्यूज मी, थोड़ा एंजॉय करने के लिए यार। आई एम द एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, अपने लिमिट में रहिए। ऐसा बिहेव करने की हिम्मत कैसे हुई? कब तक ऐसी बातें बनाओगी? मैं सब समझता हूँ, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। कैसे समझते हैं आप? इसमें लिखा है कि अगर कोई लड़की छोटे कपड़े पहनती है, इसका मतलब है वो सामने वाले को पसंद करती है। हा? और उसके खुले हाथ दिखाने का मतलब है आई एम ओपन, और मेरे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सही कहा ना मैंने? और मैं ऐसे खड़ी हूँ तो? अगर तुम ऐसे खड़ी रहोगी तो तुम मेरी गुलाम हुई। ओ, अगर मैं ऐसे खड़ी होंगी तो? इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो। इसका मतलब तुम्हें थप्पड़ मारूं? ये किताब में तो नहीं लिखा है, पर मैं समझ गया। सच कहूं तो अच्छे से समझ में आ गया। देखा ना, वो नहीं मानी, मैंने कहा था ना। डोंट वरी, लड़कियां कभी कभी ऐसा बिहेव करती हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हारी इज्जत का क्या होगा? वो मैं किसी को बताऊंगा ही नहीं। उसने कह दिया तो? अरे ऐसे कैसे कहेगी, भरोसा कौन करेगा, किसी ने देखा थोड़े ना है। अगर तुम इतने बेवकूफ हो तो शादी कैसे करोगे? तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या शादी वादी करने का? मेरे डैड मेरे लिए खोज रहे हैं। वैसे वेंकी ने क्या कहा? वेंकी, मैंने तुम्हारे बॉस से बात की है। सच में? आपने क्या कहा उससे? अगर तुम कहो तो वो तुम्हें न्यूज रीडर की जॉब दे सकता है। मेरे कहने से हो जाएगा? जरूर होगा। ऑल द बेस्ट, बाय। ओके, बाय। कम इन। हे सेलर बॉय, कल ही तुम्हारा एड एडिट किया, इट वॉज वंडरफुल, यू मेड फॉर दिस मैन। मुझे ये सब कब तक करना होगा? आपने मुझसे बहुत सारे वादे भी किए थे, आपने कहा था न्यूज देंगे, गेम शो देंगे, और भी पता नहीं क्या क्या कहा था। मैंने सुना है वो सब आप वामन राव को दे रहे हैं? हाँ दे रहा हूं सर। इवनिंग न्यूज रीडर की पोस्ट मुझे दे दीजिए ना। सुनो वेंकी, गेम शो का होस्ट बताता है कौन खेलेगा और कौन जीतेगा, लेकिन हमें क्या लेने देना? अगर वो न्यूज रीडर हो तो वो घोटालों के बारे में, देश विदेश की यात्राओं और विधानसभा सत्र के बारे में, फिल्मों की रिलीज के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है। अपने आप को देखो, बटालिया स्लाइस विजिट, ये बहुत बढ़िया था। तुम्हारी एंकरिंग के कारण सेल्स बढ़ गई है। वेंकी, यही तुम्हारा टैलेंट है, इसे वेस्ट मत करो। ओके, मेरा समय भी वेस्ट मत करो। सर, आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? वेंकी प्लीज। क्या हुआ वेंकी, वड़ालिया स्लाइड्स विज़ार्ड को यूज करने के बाद भी रो क्यों रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या हुआ? हेलो। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? गरम पुड़ी से रिश्ता है। मेरा बेटा एक चैनल लॉन्च करने में बहुत बिजी है इस समय, तो एक साल तक शादी नहीं कर सकता। हेलो। दरअसल मेरा बेटा बहुत लंबा है, लड़की की हाइट अगर 5'9" हो तो अच्छा होगा। हेलो, उसका जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हुआ है। हेलो, सुन रहे हैं ना, कहा जाता है कि ऐसे में अगर उसकी शादी होती हो तो उसकी सास मर जाती है, समझ रहे हैं ना? लेकिन दूल्हे की माँ तो पहले ही मर चुकी है। इसीलिए तो हम एहतियात बरत रहे हैं। हेलो, मेरे बेटे ने MBA की पढ़ाई की है, लड़की अगर ग्रेजुएशन पूरा कर ले तो अच्छा होता। हेलो, क्या कहा आपने, लड़के से ज्यादा एजुकेटेड है, ये ठीक नहीं रहेगा। सर, मेरा बेटा एक टीवी चैनल चला रहा है, उसे पार्टियां वार्टियां बहुत अटेंड करनी पड़ती हैं, उसे वाइफ बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल नहीं चाहिए, अगर थोड़ी सोसाइटी को एडजस्ट करने वाली होगी तो चलेगा। मेरा बेटा बाहर जाता रहता है, क्या वो बाहर जा सकती है? फिर हमारे ट्रेडिशंस के बारे में कौन सोचेगा? हमने अपने परिवार के पुजारी को दिखाया था, उन्होंने कहा कि कुंडली मेल नहीं खाती। अरे मैं भी उस पुजारी के पास गया था, उन्होंने कहा कि वो अच्छी तरह से मेल खाती है। लड़की पसंद नहीं हो तो ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं। अब देखिए, हम सीधा मुंह पर तो नहीं बोल सकते हैं ना। अब मैं नहीं कर सकता, पहले हर हफ्ते तुम्हारे लिए कम से कम 3 रिश्ते जरूर आते थे,
पर अभी ओलंपिक्स के मेडल की तरह मुश्किल होता जा रहा है, यही स्थिति है ना। तुम शादी कब करना चाहते हो? जब मूड होगा। तब तक और कितने लोगों को मना करूं मैं? उसमें से कोई पसंद नहीं आई ना? मुझे सिर्फ एक ही लड़की पसंद है जो इसमें नहीं है। मेरी बात सुनो, मैंने एक फैसला किया है, लड़की चाहे मिडिल क्लास की क्यों ना हो, बस वो सुंदर होनी चाहिए, इसीलिए मैंने बुलाया है। सर, आप शादी के प्रपोजल को क्रिकेट का मैच समझ रहे हैं क्या? अगर आप अड़े रहे तो। मैं बिल्कुल भी अड़ नहीं रहा हूँ, दिमाग अप्लाई कर रहा हूँ। अच्छा, लेकिन बहुत ज्यादा समझदारी भी हानिकारक होती है। ये देखिए, जरा इस लड़की को देखो, एकदम लक्ष्मी लग रही है, देखो। अरे अरे, बिना देखे कैसे रिजेक्ट कर सकते हो? ठीक है, फिर देख के रिजेक्ट करता हूँ। अरे भाई, ये डॉक्टर है। लेकिन इसमें लिखा कि ये डेंटिस्ट है। अरे हाँ सर, ये डेंटिस्ट ही है। ये अपने काम में बहुत ही इन्वॉल्व रहती है, लेकिन उसके परिवार वाले चाहते हैं कि ये शादी कर ले। आपको अच्छी लगी? शादी की तारीख फिक्स कीजिए, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरे मिल तो लो उससे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया क्या? मैंने तुम्हें ऑफिस में नहीं बुलाया काम के लिए। तो फिर? मैंने तुम्हें कई बार लड़कियों से बात करते हुए देखा है। सर, वो सब मैं बंद कर दूंगा। तुम्हें बुरा नहीं लगता है ये सोच के कि वो मुझे पसंद नहीं करती है? ये सोच के मुझे क्यों बुरा लगेगा? वही तो बात है, तुमसे इतना क्लोज होके कैसे बात कर लेती है? मैं समझ भी नहीं पाता उनसे बात कैसे की जाए, अपनी फीलिंग्स को उनके सामने कैसे पेश करूं। मेरी तो समझ से ही बाहर है ये सब यार। तो क्या हुआ सर? कल मैंने शादी के लिए एक लड़की देखी। उसने आपको रिजेक्ट कर दिया क्या? काश उसने ऐसा कहा होता यार, बट ऐसा नहीं है। उसने कहा कि जितनी बातें की और देखी उतना काफी नहीं है, अब वो डिनर पे मिलना चाहती है यार। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पसंद कर ले यार। एक बात कहूँ सर, पहले मैंने आपको इस तरह से नहीं देखा। देख यार, वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये अनएक्सपेक्टेड है यार, लेकिन मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जानता नहीं हूँ कि ऐसा क्या करूँ कि मुझे पसंद करे। सच कहूँ तो मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? सर, आप मेरी को ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। अच्छा सर, मेरी जगह आप होते तो क्या करते? बॉस को अच्छी सलाह देता और प्रमोशन पा लेता। ओके, कल आप उसके घर गए थे ना? हाँ गया था। अच्छा, तो वहाँ क्या देखा आपने? मेज पे मिठाई की थाली, हाथों में थोड़ा नाश्ता, दो अगरबत्ती और। अरे वो सब नहीं सर। और आपने कोई अलमारी या फिर कोई कबर्ड देखा क्या सर? हाँ, वहाँ एक अलमारी थी और उसके बगल में एक पुराना फ्रिज था। आपने उस फ्रिज के ऊपर या फिर अपने सामने की टेबल पर क्या देखा, कुछ याद है सर आपको? हमें उससे क्या लेने देना है वेंकी? उसके घर के फर्नीचरों को देख करके आप उसके इंटरेस्ट का पता लगा सकते हैं सर, फिर मैं अच्छी तरह से समझा सकता हूँ। ओहो, अच्छा तुम्हारा ये मतलब है। उसकी अलग अलग कई सारी फोटोज उसके फ्रिज पे चिपकी हुई थी। मिस्टर उदय जी, इसका मतलब आपको कुछ समझ आया? दरअसल वो लड़की, वो फोटोग्राफर है, उसे ट्रैवल करना पसंद है सर। तो आप भी उससे कहिएगा सर कि आपको भी ट्रैवल पसंद है। और क्या देखा आपने? और कबर्ड में रफी के गानों के कलेक्शन देखे, मतलब उसे रफी साहब पसंद है ना? नहीं सर, उसे उनके गाने पसंद है। आप सिर्फ मोहम्मद रफी की ग्रेटनेस की बुक्स पढ़ें, अपनी गाड़ी में सिर्फ उनके ही गाने बजाइए, उसके सामने सिर्फ उनकी ही बातें करें, काम हो जाएगा। ओके 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 ओके। नेक्स्ट, खिड़की के पास मैंने राजा रघुवरन की पेंटिंग्स की एक बुक देखी। वेरी गुड, बीच में पेंटिंग स्कीम्स को ला सकते हैं। मैं एक रेस्टोरेंट जानता हूँ जिसके कोने में रवि वर्मा की पेंटिंग लगी हुई है। आप उसे कोने में ले जाके बात करिएगा। और मैंने उसके कवर्ड में बहुत सारी किताबें देखी, उससे बोलूंगा कि बुक पढ़ना पसंद है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप उसे एक बुक भी गिफ्ट कर सकते हैं। हाँ ये अच्छा है, उससे बात करते समय बीच बीच में इंग्लिश के बड़े बड़े शब्दों को फेंकूंगा। बस यही तो करना है, देखा ना कितना आसान है। थैंक यू वेंकी, मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे मोटिवेट किया। ठीक है, तुम स्कूटर कल लेके जाना, मैं आज कार से ड्रॉप करता हूँ तुम्हें। आ जाओ। वैसे वेंकी, तुम लड़कियों के इतने करीब रहते हो, तुम्हें कोई लड़की पसंद नहीं आई क्या? आई थी ना सर, लेकिन फिर उसने पसंद नहीं किया होगा। करती थी सर, हम दोनों पसंद करते थे। फिर क्या प्रॉब्लम है? ये एक बेहतरीन कहानी है। पहले कहानी तो बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि कहानी अच्छी है या नहीं। अभी नहीं सर। अरे बताओ ना यार, कम ऑन। जरूरी है क्या? हाँ बिल्कुल जरूरी है। कुछ साल पहले गर्मियों की छुट्टियों में मैं वाइजैग गया था, वहां मुझे एक लड़की मिली। चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, चालीस का अस्सी, पवन कल्याण की लेटेस्ट फिल्म चालीस का अस्सी। मैडम क्या है? अरे क्या कह रहे हो ये? चालीस का अस्सी में मैडम। चालीस का अस्सी में?
लेकिन मैं आपके लिए 70 रुपए में ही दे दूंगा। तुम 40 रुपए का टिकट 80 रुपए में बेच रहे हो, बहुत महंगा है। मैं 70 रुपए से कम नहीं दे सकता। ठीक है, मेरे पास 2 टिकट्स हैं। अगर आप दोनों ले लो तो मैं 100 रुपए में दे दूंगा। ठीक है, फिर जाओ। हेलो, मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरी भी गर्लफ्रेंड है। तुम्हारा नाम क्या है? एन वेंकटेश्वर राव। छी, अरे सुनिए तो सही, क्या हम उन टिकट्स को 100 रुपए में ले सकते हैं? पैसे हाफ ऑफ कर लेंगे। अच्छा, मैं 60 दे दूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं टिकट ब्लैक में बेच रही हूँ? नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं तुम्हारे बगल में कैसे बैठूं। दादी, दादी इसे मेरे बारे में बताइए ना। हाँ बेटा, ये बहुत अच्छा लड़का है। पिछले हफ्ते ये मेरे साथ बैठा था, इसने इंटरवल में मुझे पॉपकॉर्न भी खिलाए। ठीक है ठीक है, चलो। पैसे नहीं चाहिए पर इंटरवल में पॉपकॉर्न और कोक चाहिए। तो आपने कहा कि आप सीता नगर में रहती हैं? मैं भी वहीं रहता हूँ। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको बाइक से ड्रॉप कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है चलो। हाँ आइए। एक्चुअली मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या मेरे पास बाइक नहीं है, मैं बस से आया। क्या, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि बाइक से ड्रॉप कर दूंगा? मुझे लगा थोड़ा रोमांटिक हो जाएगा। अब मेरे पास स्कूटी है। एक मिनट सुनिए, अगर आपके पास स्कूटी है तो आप मेरे साथ जाने को तैयार क्यों हो गई? आप जिस अपार्टमेंट में रहती हैं उसी अपार्टमेंट में मैं भी रहता हूँ, लेकिन मैं आपका नाम नहीं जानता। प्रभावती। नाइस नेम। मुझे नहीं पसंद, पूरा नाम श्री साई शिरीषा प्रभावती है। नाइस नेम। यह शिरीषा होना चाहिए था या प्रभावती होना चाहिए था? हाँ। दोनों नाम मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी लड़के का नाम श्यामलाल रामलाल हो तो? लड़कों में रामकृष्ण तो कॉमन होता है, और नाम रखा भी क्या जाए, जस्ट लीव इट। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ? इस शहर में मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। मैं दिल्ली से हूँ। हाँ? और पहली बार यहाँ पर आई हूँ, अपनी दादी के घर। मैं हैदराबाद से हूँ, अपनी मौसी के यहाँ आया हूँ छुट्टियाँ बिताने के लिए। मुझे लगता है तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा, मैं सच बोलूं या फिर झूठ बोलूं आपसे? तुम जो भी कहो, बस बता देना सच है या झूठ है। कल से पहले मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, कल भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और आज सुबह तक भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। चलो पुत्रो। वैसे आज भी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। भगवान, अब अपार्टमेंट आ गया है। ये दिल्ली नहीं है। इसका कोई फोन नंबर तो होगा ही ना। शिनु, हाँ, तेरे पास पेन और कागज है क्या? मेरे पास ये सब नहीं है।
आप चाहे तो इस कोयले से लिख सकते हैं। कैसे लिखूं यार? शुरुआती चार नंबर तुम याद रखो और आखिरी के चार मैं। थैंक यू अंकल। मौसा जी, मैंने तो ये सोचकर तुम्हारी ट्रिप के लिए हाँ कर दी कि तुम बीच पर जाकर एंजॉय करना पसंद करोगे। मौसा जी, और क्या, छुट्टी में टाइम पास तुम करोगे लेकिन एक मैं ही हूँ जो तुम्हारे साथ हूँ। समझ गया मौसा जी। मुझे नहीं लगा था तुम मिसबिहेव करोगे, पर होश में रहना जरूरी है। मौसा जी, क्या हुआ? आपने वो लास्ट के चार नंबर याद किए हैं क्या? एए, गैस क्यों तेज कर रखी है इतनी? क्योंकि आप स्लो हैं। नंबर नोट नहीं कर पाए इसीलिए दुखी हो क्या? आपको कैसे पता चला? अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें नहीं लगता जेब में सेलफोन रखना चाहिए? कोई बात नहीं, जब तक तुम यहाँ हो मेरा सेलफोन यूज करो। अब क्या हुआ, इस तरह रो क्यों रहे हो? अगर आपने ये कल दिया होता तो आज मैं उसका नंबर नोट कर लेता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मैं कल उसे दोबारा देख पाऊंगा? इतना डेस्परेट क्यों हो? ऐसी बात नहीं है, हमारे अपार्टमेंट में दिल्ली की लड़की है, बस इसीलिए एक्साइटेड हूँ। वो रुक्मणी जी की पोती है ना, उसके पेरेंट्स का किसी बात पे झगड़ा चल रहा है, इसीलिए उसे यहाँ भेज दिया है। वो बहुत अच्छी लड़की है, जाओ ये चपातियाँ मौसा जी को दे आओ। मौसा जी का समझ ही नहीं आता, रात में चपाती और सुबह कपाल भारती, शुगर की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है उन्हें। अरे वेंकी, वेंकी जाके आधा लीटर दूध ले आओ, कॉफी बनानी है मुझे। आप दूध वाले को घर पे डिलीवरी करने को बोलिए ना। जाओ दूध लेकर आओ। अरे आप, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। क्यों, कोई फिल्म देखनी है क्या? तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे लगा तुम अच्छे लड़के हो इसलिए अपना नंबर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रात में 11 ब्लैंक कॉल करने की? तुम्हें समझ में नहीं आता कोई और परेशान भी हो सकता है? मुझे तो तुम्हारा नंबर याद ही नहीं है। शट अप, तुम जैसे लड़के को नंबर देना ही नहीं चाहिए था। अबे कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई रात में 11 मिस कॉल करने की? उसने नंबर मुझे दिया था, तूने क्यों लिख लिया? अब वो मुझ पे ब्लेम कर रही है ना, और ऊपर से 11 ब्लैंक कॉल कर रहा है। हाँ, और इल्जाम मेरे ऊपर लग रहा है। अगर तूने दोबारा फिर कभी ऐसा किया ना तो तेरा टावर उखाड़ दूंगा। सॉरी, जो भी मेरा नंबर जानता है वो मुझे कॉल करता है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, मुझे नहीं पता था कि ब्लैंक कॉल करने वाला श्रीनु है। वैसे भी मैं जेमिनी हूँ ना, वो थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, प्लीज बुरा मत मानना। जेमिनी मतलब तुम्हारा बर्थडे जून? May 31st। सॉरी। किस लिए? ये सच है कि ब्लैंक कॉल्स शीनू ने किए थे, लेकिन कल से पहले के सारे ब्लैंक कॉल्स मेरे थे। एक्चुअली कुछ भी कहने से डर लगता था इसलिए फोन कट कर देता था। मैं वर्गो हूँ ना, इसलिए थोड़ा डरपोक टाइप का हूँ, बुरा मत मानना। क्या वर्गो? अगस्त 26। अच्छा सुनो, तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछूं, तुम्हारे पापा ने बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था और तुम्हें कैसा लगा? मुझे एक टेडी बेयर दिया था, बकवास गिफ्ट है, लेकिन शेखर ने दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। संध्या, तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था? लोकेश ने मुझे सेलफोन दिया था, शैलेश ने लाल शर्ट दी थी, रुपेश ने एक MP3 प्लेयर दिया था। ये सब देना पड़ेगा? तुम एक काम करो, लड़की को 5-star रेस्टोरेंट में डिनर के लिए ले जाओ और वहाँ जाकर उसे एक डायमंड सेट गिफ्ट कर दो, बस काम हो जाएगा। डायमंड्स, ताश के पत्ते, ठीक है ना? डायमंड इक्का बेगम। शट अप इक्की, पहली बार कोई लड़की पसंद आई है उसके सामने ऐसी बेवकूफी मत करना। हाँ नहीं करूंगा। अच्छा सुनो, बिना डायमंड सेट के उसे डिनर पे ले जाऊं तो? इतना क्यों सोच रहे हो? ओके 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 ओके, समझ गया।
अरे वेंकी, दादाजी की ट्रेन छूट जाएगी, हमें स्टेशन पहुंचना है, जाओ ऑटो लेकर आओ। ए ऑटो, स्टेशन चलेगा क्या? हाँ चलूंगा ना। क्या लेगा? पैसे ही लूंगा। मेरा मतलब कितने लेगा? 60 रुपए दे देना साहब। ठीक है चल। लगता है वो हमें बहुत पसंद करते हैं। वो तो है। अरे हाँ, इस ऑटो के कितने पैसे लगे? 100 रुपए लगे मौसा जी। ओ 100 रुपए? पूरे 70 रुपए लगे मौसा जी। एक पंखा लगाने के लिए 1150 रुपए लगे। ये किस लिए? चेंज 790 रुपए लगे, उसने बिल नहीं दिया। कोई बात नहीं, फाइन तो नहीं लगा। ठीक है मौसा जी, 1350 रुपए हुए मौसा जी। पर सिलेंडर तो 300 में आता है। ब्लैक में ला रहा हूँ मौसा जी, 999 रुपए हुए चेंज। चलो मेहनत कर रहे हो तो इसे तुम रख लो। थैंक यू मौसा जी। हेलो, मैं बोर हो रही थी। ऐसा क्या? क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं बोर हो रही हूँ। बोरिंग? तुम्हें 90 फीट खोदना पड़ेगा। ओह, तुम्हारे साथ में कोई है क्या? हाँ, ठीक उसके बगल में। तो तुम साइड में जाकर बात करो ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम खोदते रहो। तो फिर मेरे घर आ जाओ ना, यहाँ कोई भी नहीं है। तो कितना टाइम लगेगा आने में? तो और खोदो ना, करीब 10 मिनट और खोदो, पानी मिल जाएगा। कहाँ जा रहे हो? ये आपका बोरिंग शो मैं अब और नहीं देख सकता। मेरे लाल, परफ्यूम से टेंशन कम होती है क्या? बाप रे, कितना परफ्यूम डालते हो तुम? ज्यादा तो नहीं है, अच्छा नहीं लगा। कोई जरूरत नहीं थी इसकी, चलो अंदर आ जाओ। मैं घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो रही थी इसलिए तुम्हें बुला लिया। पूरी तरह पागल होने के बाद ही मुझे कॉल किया ना, वैसे अब तो बातें करने के लिए बहुत कुछ होगा। चुप रहो, जब मैं बोर हो रही थी तो तुम्हें याद किया। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम तुम्हारे लिए इतना एंटरटेनिंग है। तुम्हारा नाम नॉर्मल है पर तुम एंटरटेनिंग हो। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारा नाम बिना सोचे समझे रख दिया गया है? प्रभावती वेंकटेश्वर राव। तुम्हें मेरा नाम पसंद नहीं है? अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें अपना नाम नहीं पसंद है। अगर तुम्हें लगता है ये अजीब है तो इसे बदल क्यों नहीं देती हो? नहीं, मुझे नहीं बदलना अपना नाम। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम एक अच्छे नाम वाले लड़के से शादी कर लो, फिर उसका नाम तुम्हारे नाम के आगे जुड़ जाएगा। गुड आइडिया, तो कोई नाम बताओ ना। तुम दिल्ली से हो ना? कोई सिंह ढूंढ लो, प्रभावती सिंह। दूबी कैसा रहेगा? प्रभावती दूबी? नहीं तो प्रभावती भट्टाचार्य कोलकाता। प्रभावती प्रभाकरण चेन्नई। प्रभा प्रभा दो बार हो जाएगा ना। अच्छा नहीं लगेगा। ओके, प्रभावती शर्मा, वर्मा, मल्होत्रा, मेहरोत्रा, खान, खन्ना, सक्सेना, प्रभावती सक्सेना, ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ वेंकी, तुम अपने जैसा कोई एंटरटेनिंग नाम ढूंढो ना। तो प्रभावती वेंकटेश्वर राव कैसा रहेगा? ये महेश्वरी परमेश्वरी के कॉम्बिनेशन की तरह है। सच कहूं तो मुझे अपना नाम बचपन से ही पसंद नहीं है, लेकिन जब तुम मुझे बुलाते हो तो मुझे अपना नाम अच्छा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। ऐसा क्यों? क्योंकि 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 पिंकी उंगली पकड़ो, पिंकी वेंकी। Hmm.
देर हो रही है, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। फिर कब मिलेंगे? मुझे यहाँ काफी दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक बीच पर नहीं गई हूँ। क्या तुम मुझे बीच पर ले जाओगे? अगर तुम कहोगी तो मैं तुम्हें जरूर ले चलूंगा। वैसे मैं बीच का कोना कोना जानता हूँ, इतना जानता हूँ कि मेरे दोस्त मुझे बिचौलिया बुलाते हैं। मैं अपनी लाइफ में ये बीच पहली बार देख रही हूँ। तो तुम्हें ये बीच देख करके कैसा लग रहा है? दुख हो रहा है। हाँ? क्योंकि अब मैं बीच पर पहली बार कभी नहीं आ पाऊंगी। मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती है, मेरे पैर बिल्कुल मेरी माँ जैसे दिखते हैं। अच्छा, उनके बीच में प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कम उम्र में शादी है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने पेरेंट्स के बारे में बताओ। माँ हाउसवाइफ है, पापा मेरे रोल मॉडल है। किसी जमाने में टीवी के बड़े सेलिब्रिटी थे, दूरदर्शन के न्यूज रीडर थे। वैसे अगर सच कहूँ तो उनकी पॉपुलरिटी बहुत ज्यादा थी। वो अपने काम से बहुत प्यार करते थे लेकिन फिर केबल टीवी आने के बाद। ओ, इसका मतलब तुम भी एक न्यूज रीडर बनना चाहते हो, राइट? नहीं, मैं एक फेमस न्यूज रीडर बनना चाहता हूँ। और ये मेरा ही नहीं, मेरे भी पेरेंट्स का सपना है। अजंता टूथब्रश माँ के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए और मेरे लिए भी। वैसे तुम क्या बनना चाहती हो? मैं काफी प्रैक्टिकल हूँ, मैं अपना पैर हमेशा जमीन पर रखती हूँ। आई एम अ ड्रीमर, मैं हमेशा आसमान की तरफ देखता हूँ। नारियल पानी पियोगी? ओके। हेलो वेंकी, आप? हाँ मैं ही हूँ। हाँ वेंकी भी यहीं पर है। तुम्हारी माँ? माँ? माँ, आज उसका बर्थडे नहीं है, कल है, बाद में कॉल करता हूँ आपको। हाँ, तुम अपनी माँ को हर लड़की के बारे में बताते हो जिससे तुम मिलते हो? सबके बारे में नहीं बताता। वैसे मैं कल सुबह तुमसे फिर मिलना चाहता हूँ। किस लिए? शायद तुम भूल गई हो, कल तुम्हारा बर्थडे। ओह गॉड, तुम्हें कैसे पता? हाँ, मैंने न्यूज में सुना है। दिल्ली की प्रभावती का 19 बर्थडे कल सेलिब्रेट होगा और उसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे फ्रेंड्स उसे सेलिब्रेट करने के लिए आएंगे। स्टॉप इट, मुझे याद है मैंने उस दिन तुम्हें लिफ्ट में बताया था। तुम्हारे बर्थडे पे सबसे पहले मैं तुम्हें विश करूंगा और मैं ही तुम्हें मिलूंगा। किस लिए? बिकॉज आई लाइक यू। आई लाइक यू टू।
I love like you. Hi, baby. I love you. Darling. प्रभा, एक मिनट रुको, अभी आता हूं मैं। प्रभावती को कमेंट करने वाले कहां छुप के बैठे हो? तुमने देखा ना कितने हट्टे कट्टे थे वो लोग, एकदम फिल्म के गुंडों की तरह थे। मुझे क्या पता ये गली के बाप हैं। सच कह रहा हूँ मैं, उन लोगों ने जम के रोया मुझे, दया भी नहीं आई। तुम अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? मुझे अगले फ्लोर पे उतरना है। अभी सिर्फ ऊपर चलो, मैं फर्स्ट एड करूंगी, उसके बाद तुम जा सकते हो। इसे ठीक होने में 3 दिन लग जाएंगे। तो कोई बात नहीं, तुम रुक सकते हो। ठीक होने में सारी जिंदगी लग गई तो। अच्छा? कहा था ना कि फालतू के पचड़े में मत पड़ना। वो फोर्थ फ्लोर पे रहती है, ज्यादा मत झुको वरना गिर जाओगे। हाय डैड। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। पहला मैं ही हूं ना। हैप्पी बर्थडे। दूसरा भी मैंने ही किया ना। हैप्पी बर्थडे। तीसरा मैं हूं। चलो लेट्स सेलिब्रेट। आज शाम को एक सरप्राइज प्लान किया है मैंने। प्लीज वैंकी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। अरे प्रभा, 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 सुनो सुनो सुनो, एक बार मेरी बात तो सुन लो प्लीज। प्रभा प्लीज, मना मत करो। नहीं, मैं एक महीने से इन सब की प्लानिंग कर रहा हूँ। प्लीज प्रभा, प्लीज प्रभा, मेरी बात सुनो। प्रभा प्लीज, प्लीज मेरी बात सुनो। ठीक है, सीरियसली? हाँ। यस। अरे वेंकी, 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 नीचे उतारो। वेंकी नीचे उतारो। तुम जो ऐसी हरकत कर रहे थे, अगर सोसाइटी में कोई देख लेता तो? ऐसा नहीं, मैं बस उसका वेट चेक कर रहा था, और कुछ नहीं था। पर इसकी क्या जरूरत थी, अंदाज से भी तो किसी का वेट बताया जा सकता है ना। मौका देखकर चौका मार रहे थे। ओहो, अब बस भी करिए। इसने सोचा होगा ऐसे थोड़ा रोमांटिक होगा। मैंने भी तो आपसे वेट चेक करने को कहा था, आपने 1 रुपया देके वेट मशीन दिखा दी। आपको क्या लगता है हर कोई आपकी जैसा होगा? स्टेशन का कितना लोगे? 60 रुपए दे देना साहब। 60 रुपए मांग रहा है, ये 50 में भी मान सकता है। जब तुमने 100 कहे थे तभी मुझे शक हो गया था। दाल चावल नमक गैस हर चीज, मैं सोच रहा था कि अचानक से सब कुछ इतना महंगा कैसे हो गया। सब राउंड फिगर में था। अगर अचानक से हर चीज इतनी महंगी हो गई तो मेरे जैसा मिडिल क्लास आदमी जिएगा कैसे। मैं तो टेंशन में आ गया था। तो ये सब कुछ तुम्हारा घोटाला था हा? मौसा जी, आप मुझे पैसों के लिए डांट रहे हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन मुझे वो लड़की बहुत पसंद है। ये तुम्हारी सोच है। वो लड़की तुम्हें क्यों पसंद है, उसके 10 रीजंस क्या तुम कागज पर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते ना। अरे कागज पर तो क्या, स्लेट पर भी नहीं लिख सकते, क्योंकि कोई होंगे ही नहीं। मैंने तुम्हारी मौसी के बारे में भी रीजंस कई बार सोचे, पर 3 से ज्यादा दिमाग में आए ही नहीं। मेरे तो सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं मिले। आप दोनों के 5 से ज्यादा गुण नहीं मिलते, फिर आप दोनों ने शादी क्यों? पापा नहीं मान रहे थे। ना होती तो ही अच्छा होता। बस बहुत हो गया, एक मिनट आप गाड़ी रोकिए। किस लिए मुन्ना? पहले आप रोकिए तो सही। क्या हुआ? मैं सिर्फ 10 नहीं, पूरे 100 कारण बता सकता हूं। ये सब सच है? तो फिर गाना गाओ। हे भगवान,
जब तुम उसके सामने वेटर को टिप देना तो तुम्हारी थोड़ी रिस्पेक्ट तो होनी ही चाहिए। ये लो पैसे रख लो। मौसा होने के नाते मेरा भी फर्ज बनता है। ये लो एंजॉय करो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू। दैट वाज अ गुड मील। हाँ तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? बोलो। वेंकी तुम्हें कुछ पूछना था ना? तुम बता सकती हो इन दोनों में से क्या खाओगी, नमक या काली मिर्च? आह, इतना पैसा खर्च करके पार्टी रखी सिर्फ ये पूछने के लिए? मुझे तो लगता है तुम्हें नहीं पता है इन दोनों का स्वाद कैसा होता है। अच्छा, नमक शायद नमकीन होगा और काली मिर्च तीखी होगी। Come on, पूछो ना, पंच नहीं मारूंगी, पूछो। Do you love me, प्रभा? थप्पड़ मारूंगी। सच में प्रभा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं भी खुद को बहुत पसंद करती हूँ। Come on, प्रभा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हर रोज तुमसे मिलने का इंतजार करता रहता हूँ। जब भी मेरा फोन बजता है मुझे लगता है कि तुम्हारा फोन है। और बाप रे, क्या कहना चाहते हो बोलो ना। हम दोनों के बीच के रिश्ते को तुम क्या नाम देना चाहती हो? अब इस रिश्ते को नाम देना इतना जरूरी है? मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये सच है, क्योंकि तुम स्पेशल हो, ये भी सच है। क्या अब भी नाम देना जरूरी है? तुम्हारा मतलब कि हम बस फ्रेंड हैं? बेस्ट फ्रेंड हैं हम। अभी मुझे अपने 19th बर्थडे का केक काटे हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ है, और प्यार और शादी के फैसले इतनी जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं लिए जाते। यार ये फैसले अभी ही लिए जाते हैं, बुढ़ापे में नहीं। वेंकी, ये सब अभी जरूरी है क्या? ऐसी बातें बाद में भी तो कर सकते हैं ना। तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम टच में रहेंगे, आगे देखेंगे क्या हो सकता है, तब तक एंजॉय करो ना। समझ गया मैं, दिल्ली का यही कल्चर है ना, मेरे लिए नया है। पार्टियां, पब और पिकनिक, तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो लड़ने तक का टाइम नहीं है, तो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? प्रभा, 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 I'm sorry प्रभा। Fine, be sorry। प्रभा, शनिवार को तुम दिल्ली में होगी और रविवार को मैं हैदराबाद में। कम से कम 2 दिन, प्रभा 2 दिन, प्रभा। I'm really sorry प्रभा। कल रात मैंने बहुत कुछ सोचा, मैंने सच में बेवकूफी वाली बातें कर दी। मुझे लगता है मेरे अंदर मैच्योरिटी नहीं है। प्रभावती यहाँ नहीं है, वो दिल्ली चली गई। दिल्ली का कोई कांटेक्ट नंबर? दिल्ली का कोड है 011 और प्रभावती ने कहा है मैं तुम्हें नंबर ना। तो ये 2009 में हुआ था, ये तो बहुत पुरानी कहानी है, कोई नई कहानी नहीं है क्या? सर ये प्यार की बात है, कोई पानी पूरी नहीं है, उसके अलावा किसी और के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। ओके, मुझे यहाँ से राइड जाना है, तुम यहीं उतर जाओ। चलो कल ऑफिस में मिलते हैं, सी यू टुमारो। ओके सर। पुराने जमाने में जब लोग भगवान के पास जाते थे तो उनसे पूछते थे। मैं भी तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सर आप छांच लेंगे क्या? आ तो प्रशंसा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैस कॉमेडी। मिस्टर रवि वर्मा ने अपने पेंटिंग्स के जरिए भगवान को घर घर में पहुंचाया। राजा रवि वर्मा, सुन रहे हो ना? सीरियसली? नहीं नहीं,
आर यू लिस्टिंग? चाय चाहिए क्या सर? ए, क्या तुम इंग्लिश का सबसे बड़ा शब्द जानते हो क्या? मुझे नहीं पता सर। तो फिर रहने दो चाय। सुपर कैलिफेजिस्टिक एक्सप्लिडियोसियस। हमारे देश में मोशन पिक्चर किसके द्वारा लाई गई थी? दादा साहब फाल्के, राजा रवि वर्मा, उनके असिस्टेंट के बारे में जानती हैं? ये है फिल्म लोफर का गाना, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, बोल है आनंद बख्शी और गायक है। ये क्या है मोहम्मद रफी? मोहम्मद रफी इतना बड़ा सिंगर है क्या? अरे रफी साहब की आवाज में ऐसी जादू है ना साहेब, ऐसी जादू है कि क्या बताऊं आपको। अरे साहब, दिलीप कुमार हो या धर्मेंद्र, जब वो गाते हैं ना तो माशाल्लाह। जब वो गाते हैं तो माशाल्लाह। क्या ट्रैफिक है। अरे जल्दी करो यार, लंच पे जाना है अपनी होने वाली बीवी के साथ। आई थिंक तुम बोर हो रही हो, कोई गाना बजा दो क्या? अरे ये कौन सी सीडी है? कार में बहुत सारी सीडीज पड़ी है, इसे प्ले करता हूँ। अरे तुम्हें मोहम्मद रफी पसंद है क्या? पता है मुझे मोहम्मद रफी और उनके गाने बहुत पसंद है। जब वो गाते हैं तो उनकी आवाज में ऐसा जादू है कि क्या बताऊं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। अरे लेट मी फिनिश, वेट। जब वो गाते हैं तो उनकी आवाज से दिल झूमने लगता है। जिन इमोशंस को हमने अपने दिल की गहराइयों में दबा रखा है ना, वो सब उनके गाने के साथ बाहर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे अंदर की उदासी उनके गानों की धुन में कहीं खो गई है। लेकिन ये गाना तो हेमंत कुमार ने गाया है। हेमंत? हेमंत कुमार, हु इज ही? कुड बी। हाँ ये हेमंत कुमार है। मोहम्मद रफी भी अच्छा गाते हैं वायलिन की तरफ। उदासी दूर करना। हम अभी किस रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? वेलकम टू आवर रेस्टोरेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैंने रिजर्वेशन करवाया हुआ भास्कर के नाम से। इट्स अ पासी रेस्टोरेंट। पता नहीं, मुझे तो ट्रेवल करना पसंद है। ट्रेवलिंग यू नो लाइक शिप, प्लेन, ट्रेन। अरे वाह, ट्रेवल करना तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो तुम कहाँ कहाँ जा चुके हो? अशोक नगर, बालानगर, बारासीगुड़ा, चंडायन गुट्टा। फनी, ही इज जोकिंग। मुझे लगा ये सीरियस है। तुम्हारी लाइक और डिसलाइक क्या क्या है? बुक्स, बुक्स। ओह, बुक्स। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। इनफैक्ट गिफ्ट में बुक लेके आया हूँ। बिगिनर्स गाइड टू इलाहाबाद। ये बुक। आई मीन यू लाइक ट्रेवलिंग एंड आई लाइक बुक्स, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। क्या तुम्हें सच में बुक्स पढ़ना पसंद है? हाँ। तुम्हारी फेवरेट बुक कौन सी है? मैं एक नाम कैसे ले सकता हूँ? मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। तुमने रोनाल्ड की बुक पढ़ी है? हाँ। तो क्या ख्याल है? आई थिंक ही इज सिंपली सुपर कैलिफ्रेजिलिस्टिक एक्सप्लिडिशियस। ये क्या है? मुझे लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही बड़ा वर्ड बोल दिया। आई डू गिविंग टू माई सेस्कोपेडल एट गेस्ट समटाइम्स, बट मुझे बुक्स पसंद है और लाइब्रेरी पसंद है, यूनिवर्सिटीज भी। इनफैक्ट अगर मेरे दो बेटे हुए तो मैं उनका नाम नागार्जुन और वेंकटेश्वर रखूंगा। फिल्मी हीरो के नाम रखोगी? बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब यूनिवर्सिटीज से है। और अगर लड़की होगी तो उसका नाम उस्मानिया रखोगे? या गुड आइडिया। मैं अपनी गली के कुत्तों का नाम किड्स और बिल्ली का नाम बिट्स रखता हूँ। हे, यहाँ राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स हैं। मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स पसंद हैं? ऑफ कोर्स। I do want to some gas conditioning, लेकिन कॉलेज के दिनों में I was a good student by the way. मुझे वर्ल्ड पेंटिंग्स में थीसिस के लिए गोल्ड मेडल मिला था। Really? Yeah. इसका मतलब मुझे बताने के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ है। इसके बारे में कुछ बताओ। राजा रवि वर्मा, the painter prince. आगे भूल गया क्या था? उसके ब्रेस्ट लुक को देखो, देख के लगता है नहीं कि उसे बने हुए इतना वक्त हो चुका है। पहले के जमाने में जब लोगों को मंदिर में जाना अलाउ नहीं था ना, तो उस वक्त ये बताने के लिए कि भगवान दिखते कैसे हैं, उन्होंने भगवान की पिक्चर्स को पेंट करके बनाना शुरू किया। राजा रवि वर्मा, हाय, देयर आर लाइक 1220 वेबसाइट्स अबाउट हिम।
मास्टर ऑफ आर्ट्स। ओह नो। सॉरी सर। ब्लडी हेल। सॉरी सर। सॉरी। आई एम सॉरी। सॉरी सर। सॉरी सर। इट्स ओके इट्स ओके। जब मैं यहाँ आई तो मैंने सोचा कि अगर हम किसी और टेबल पर बैठते तो अच्छा होता। नहीं नहीं, हमारा रिजर्वेशन इसी पे है, हमें यहीं बैठना पड़ेगा। मैं साफ करता हूँ। पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा है। एक्सक्यूज मी। You know what? तुम्हारे कपड़ों पे पानी गिरना ना मुझे अच्छा नहीं लगा। चलो कहीं और चलते हैं। अच्छा नहीं नहीं नहीं, यहीं बैठना चाहिए। जरूरी नहीं कि किसी से एक बार गलती हो तो वो अपनी गलती दोहराएगा। यहीं बैठते हैं, मुझे ये जगह पसंद है। यहाँ की सर्विस भी अच्छी नहीं है। मैंने एक बार इनसे फोर्क मांगा तो लाके चुभा ही दिया था। वाओ, मोना लिसा। मोना है क्या? मुझे बहुत जोर की भूख लगी, कुछ ऑर्डर करना चाहिए प्लीज। हाँ करेंगे ना, वेटर को आने तो दो। इस पेंटिंग के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? रवि वर्मा का टैलेंट इस पेंटर में नहीं है। कम ऑन, द विंची। कौन विंची? द विंची इज अ मैथमेटिशियन कम इंजीनियर कम स्कल्प्टर कम राइटर कम म्यूजिशियन कम एनाटोमिस्ट। लेकिन वो पेंटर तो नहीं है ना? मोनालिसा, इस पेंटिंग ने दुनिया भर के कई कवियों को इंस्पायर किया, पता है? सच में? तुम कोई कविता सुना सकते हो? मोनालिसा मेरी बहन है, उसकी स्माइल सुपर है। चलो चलो पार्टी करते हैं। कौन है ये लड़की? कौन है? कहां से आई है? हमारे लिए क्या करेगी? उसने तोड़ दिया मेरा दिल, मेरा। हाय प्रभा, तुमको लड़का पसंद आया? रुकिए जरा, उसे बोलने दीजिए। प्रभा, तुम्हें लड़का पसंद आया? पता नहीं। प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब तुम्हें पसंद आया? हाँ। ना नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह सकती कि मैं उसे पसंद नहीं करती। वो एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसने मुझे इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश की। उसकी कोशिशें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके थॉट्स सुनकर तो मैं डर गई। कोशिश? हाँ, उसने मुझे कन्विंस करने की बहुत कोशिश की कि हमारा इंटरेस्ट सेम है। अरे वो बड़े बड़े इंग्लिश वर्ड्स बोलने की कोशिश कर रहा था। तो क्या हुआ? अगर तुम डिसाइड नहीं कर पा रहे तो उन लोगों को क्या बोलो जो रिश्ता लेकर आए? सिर्फ उस मीडिएटर की वजह से मैं किसी से शादी करने के लिए हाँ तो नहीं कह सकती ना। जब से उसने तुम्हें पहली बार देखा तब से ही पसंद करता है। क्या सिर्फ इतना ही काफी है कि वो मुझे पसंद करता है? शादी जीवन में सिर्फ एक बार करनी होती है। मैं सिर्फ 2 घंटे की मुलाकात में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती भैया। देखो प्रभा, आप चुप रहिए, मैं उससे बात करती हूँ। प्रभा, तुम चाहती हो कि हम शादी के लिए और लड़के देखें, पर इससे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। देखो वो पढ़ा लिखा है और साथ में अमीर भी है। मैं सिर्फ एक लड़का और देखूंगी। अगर वो लड़का इससे भी बुरा हुआ तो मैं इस लड़के से शादी कर लूंगी, चलेगा? मुझसे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। इस लड़के से भी बुरा? ये कुछ ज्यादा टफ नहीं है सर। हम किसी एक को नहीं चुन सकते? मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा यार। अगर सिरिसा मुझसे शादी नहीं करेगी तो मैं चैनल बंद करके हिमालय चला जाऊंगा। सर एक बार मेरी बात तो सुनिए। तुम्हारी बात सुन के तो अपना इम्प्रेशन खो दिया मैंने। मैंने क्या किया सर? कोई और लड़की नहीं है क्या? उसके अलावा और भी बहुत सारी लड़कियां होंगी ना। मैं पहले ही बहुत ट्राई कर चुका हूँ, बहुत सर्च किया, बहुत सी लड़कियों को देखा, लेकिन इस लड़की के अलावा मुझे और कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो लड़की मेरे हाथ ही नहीं आ रही है यार, क्या करूं मैं? सुनिए मिस्टर उदय बाबू, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक आइडिया है। इस शहर की गली गली में बहुत सारे मूर्ख घूम रहे होंगे, हम उनमें से किसी एक को उसके घर भिजवा देंगे, उसे देखने के बाद वो आपसे शादी जरूर करेगा। अरे नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। अगर उसने उसे पसंद कर लिया तो? ये बात भी सही है, लेकिन फिर हमें एक भरोसे वाला मूर्ख कहां से मिलेगा? है एक। कौन है वो मूर्ख? तू है। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर मेरे हाथों में है, तुम चाह के भी मुझे धोखा नहीं दे सकते। सर मैं आपको एडवाइस दे सकता हूँ सर, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। सुनिए वेंकी बाबू, तुम इसे ऐसे करो जैसे नेट प्रैक्टिस कर रहे हो। क्या सर, गेम खेलने ये जा रहे हैं और प्रैक्टिस मैं करूँ? वेंकी, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद एम्प्लॉई हो, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? ये तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, मेरी बात को समझो वेंकी। ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे सामने विनती करूंगा, चुपचाप जो बोला है वो करो। सर सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, इन सब में अगर मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, समझ गए? ओके ओके,
अगर उसे मुझसे प्यार हो गया तो क्या होगा? उस कंडीशन में भी तुम मरोगे। सर इमोशनल ब्लैकमेल नहीं चलेगा, इसीलिए मैं आपके साथ काम नहीं करता हूँ। लेकिन आप फिर मुझे रुको तो, मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे की? सुना है कि जेमिनी टीवी के क्रिएटिव हेड से मिलने गए थे और वहाँ पे इंटरव्यू भी दिया है। अगर उन्होंने मुझे फोन किया और तुम्हारे बारे में पूछा और अगर मैंने तुम्हारे बारे में कुछ बुरा बोल दिया ना तो समझो तुम्हारी कहानी खत्म। और अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हें न्यूज रीडर की पोस्ट दूंगा। मुझे इस खेल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आओ मेरे साथ आओ। अरे आओ ना। देखो वेंकी, तुम्हारा इन परिस्थितियों में खुद को एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। ये तुम्हें खुद ही करना होगा। तुम्हारे पास यही मौका है खुद को प्रूफ करने का। आप मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं? तुम अपनी पसंद की नौकरी करना चाहते हो तो तुम्हें हर हाल में अपने आप को बदलना होगा वेंकी। और बॉस की शादी में आके रसगुल्ले खाओ, नहीं तो तुम्हारे पास जो कुछ है सब खो बैठोगे तुम। कोई और ऑप्शन नहीं है क्या? इससे अच्छा ऑप्शन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा वेंकी, मेरी बात मान लो। वेंकी मैं 10 तक गिनूंगा। 10, 9, सर 8, 7। सर गुस्से में आके कुछ मत करिए सर। आपको जो भी हेल्प चाहिए वो हेल्प करने को मैं तैयार हूँ। ना तो मैं आपको धोखा दूंगा और ना ही उससे शादी करूंगा, ठीक है? और अपनी तरफ से 100% दूंगा। अच्छा सुनो, तुम्हारा कॉलर पकड़ा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? क्या कह रहे हैं सर, ये भला क्यों बुरा मानेगा? आप तो इसका बॉस हैं और बॉस के लिए इतना तो कर ही सकता है। आपका नया प्रोजेक्ट कब शुरू हो रहा है? तुरंत। One of action. सबसे पहले आप मुझे वहाँ एलिजिबल बैचलर बना के भेज दीजिए। उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ओ, तुम उसे विश्वास दिला दो कि तुम बेवकूफ किस्म के हो, फिर मेरा रास्ता क्लियर हो जाएगा, फिर मैं उससे शादी कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कहेगी एक और लड़का देखना चाहती है और इसीलिए मैंने आपसे कहा है आप थोड़ा पेशेंस रखिए, वो उस लड़के के साथ डिनर पे जाना चाहेगी। हाँ। फिर वो मेरे बिहेव को पसंद करने लग जाएगी। ओ, तो फिर वो तुमसे शादी कर लेगी और मुझे दूसरी लड़की खोजनी होगी। नहीं सर, मुझे आपके लिए नई लड़की खोजनी होगी। मेरी बात सुनिए सर, जब मैटर आगे बढ़ जाएगा और वो मुझसे शादी करना चाहेगी तो मैं उसे मना कर दूंगा और वो अंदर से हिल जाएगी। तो उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो किसी से भी शादी नहीं करेगी और हम दोनों को नई लड़की खोजनी पड़ेगी। प्लीज सर, नई लड़की खोजने के बारे में मत सोचिए। मैं उसका दिल पूरी तरह से नहीं तोड़ूंगा सर। जब मैं उसके दिल को थोड़ी सी ठेस पहुंचाऊंगा तो आपको उससे दोस्ती करनी होगी। आप उसे कॉफी शॉप ले जाइएगा, पार्क में ले जाइएगा, फिल्म दिखाने ले जाइएगा। वो मुझसे प्यार तो करती ही रहेगी। तभी मैं एक दिन अचानक आके उससे बोलूंगा कि देखिए मैं आपसे प्यार नहीं करता हूँ। तभी आप एंट्री करिएगा और आप बोलिएगा कि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। और फिर क्या, तिल वाले दुल्हनिया लेके चले जाएंगे सर। डन डन। नमस्ते दीदी, कैसी हैं आप? नमस्ते जी, मैं ठीक हूँ। कॉफी लीजिए। सर, इसके नाम पर इसके बाप की आधा एकड़ जमीन है। आधा एकड़? आजकल तो कुछ भी नहीं होता। रिजेक्ट रिजेक्ट। ये देखिए सर, इसकी 5 बहनें पढ़ी लिखी हैं, लेकिन ये थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, लेकिन अमीर बहुत है। इसकी बहनों की शादी हो चुकी है ना? नहीं, पहले इसकी शादी होगी फिर। ये भी नहीं। इसे देखिए सर, ये इसकी दूसरी शादी होगी। अमीर बहुत है, पहले लव मैरिज की लेकिन टिकी नहीं, इसलिए अब ये अरेंज मैरिज करना चाहता है। जब लव नहीं चली तो अरेंज कैसे चलेगी? नहीं सर, वो बहुत अच्छी थी, ये उसे हमेशा रखना चाहता था। ये भी नहीं चलेगी, रख लो। इसे देखिए सर, देखने में तो हैंडसम है, देखो क्या करता है ये। इसने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम भी करता है ये। जब आपके पास ये था तो उन फालतू लड़कों का फोटो क्यों दिखाया? आपने इसे ही चुना है ना? अच्छा है, चलो अच्छी बात है। इन्होंने वेंकी को चुन लिया, अब उसकी शादी मिस्टर उदय से होना तय है। क्या कहा आपने? मैं कह रहा था कि अब मुझे चलना होगा, उससे पहले मैं कॉफी पी लेता हूँ। कांग्रेचुलेशन सर जी, आपके बेटे को जो लड़की पसंद है मैंने उसकी बात कर ली है। तुम्हारी बात मैं नहीं समझता, बस मेरी बेटी की शादी करवा दो और कुछ नहीं। सर मैंने जो लिस्ट उन्हें दिखाई थी उसमें से उन्होंने वेंकी को चुन लिया। प्राउड ऑफ माय बॉय। आई होप उन्होंने बैंकी को टीवी प्रोग्राम में ना देखा हो। अरे उसे कौन देखेगा, वो टीवी स्टार है या पावर स्टार। तो अब उसके लिए एक अच्छे माँ बाप का इंतजाम करना होगा ताकि अरेंज मैरिज लगे। ये काम थोड़ा कठिन है, माँ बाप को कहीं से ढूंढ के लाना, फिर उन्हें एक्टिंग सिखाना और फिर ठीक से उनसे परफॉर्म करवाना बहुत मुश्किल है। चलिए फिर भी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सिर्फ एक माँ और बाप को लाना है ना, इतना ही ना? ओके। ओफो, अब तुम्हारे भैया ने फोटो कहाँ रख दी? ठीक है ना भाभी, आपने कहा ना कि आपको वो पसंद है, तो फिर मुझे भी उसका एन वेंकटेश्वर राव नाम तो पसंद है। अगर तुम फोटो देखे बिना चली गई और कंफ्यूज हो गई तो? कुछ नहीं होगा,
हेलो, इस फोटो को भी देख के कमी जरूर निकालेगी वो। ओके ओके सर। प्रभा तुम निकल सकती हो, उसने ब्लू कलर की शर्ट और खाकी पैंट पहनी है। मेरी साड़ी ठीक है ना? बहुत अच्छी है। भैया वो सॉफ्टवेयर साइट से ही है ना, न्यूज रीडर तो नहीं है ना? डेलाइट, 7,20,000 सैलरी है उसकी। हेलो हेलो, मैंने नीले कलर की शर्ट पहन रखी है, उसने क्या पहना? हाँ पीली साड़ी पहनी है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं देख लूंगा, बाद में फोन करता हूँ। नाइस शर्ट। थैंक्स। नहीं है, मेरे बॉस ने दी है मुझे। लड़की देखने आए हो? हाँ, उसने पीले रंग की साड़ी पहनी है और मुझे नीली शर्ट पहनने के लिए कहा था। ओह गॉट इट, व्हाट अ कोइंसिडेंट, मैं भी इसीलिए यहाँ आया था। कल मैं किसी भी रंग की शर्ट पहन सकता हूँ। इसीलिए क्या तुमने ऐसी शर्ट पहन रखी है? हाँ? मेरा नाम है चिंता गोपालचंद और उसका नाम है सपना। नाइस मीटिंग यू। मेरा नाम वेंकी है, उसका नाम शेरशाह, और बॉस का नाम उदय। हाँ? बॉस NRI L1 वीजा पर US गया था और अभी H1 में बदला है। ओह ये तो बहुत अच्छा है। हाँ और क्या, अब ग्रीन कार्ड मिलेगा। ओह मुझे क्या करना है ये तो भगवान भी नहीं जानते। इसे पागलपन कहते हैं। आप क्या करते हैं सर, आपको वीजा नहीं मिल रहा क्या? मेरा अमेरिका जाने का कोई विचार नहीं है। ये थोड़ा मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। अब मुझे ही देख लो, इंडिया में SAP के लिए बहुत स्ट्रगल है। आपने साइप किया है? सैप नहीं कहते, इसे SAP कहते हैं। इसका क्या मतलब? मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन कुछ तो होता है। आई थिंक इट्स जर्मन। लीव मी अलोन, मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है। इतनी टेंशन में क्यों हो, सब सेट हो जाएगा। मैं सेट नहीं करना चाहता, ये एक लंबी स्टोरी है। हा? मेरी चीजें सेट हो जाए, क्योंकि मेरी स्टोरी नॉर्मल है। मैं H1 वीजा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। प्रभा मैंने उसकी फोटो नहीं देखी। क्या उसने भी मेरी फोटो नहीं देखी? चलो ठीक है, मैं ब्लू शर्ट ही ढूंढती हूँ। सर वो पीली साड़ी पहनी है, उसका नाम प्रभावती है, उसका सरनेम यू से शुरू होता है, वो दिल्ली में पली बड़ी है, वाइजैक नेटिव प्लेस है। उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी? 31 मई 1989, जोडिक साइन जेमिनी। उसका नाम प्रभावती नहीं शीर्षा है। अरे उसका पूरा नाम श्री साई शीर्षा प्रभावती है। अरे ये सब तुम कैसे जानते हो? अरे तो ये सारी डिटेल्स मुझे पहले क्यों नहीं बताई आपने? इतनी डिटेल्स तो उसने नहीं मांगी जो शादी करने जा रहा है। क्या वो मेरे बारे में कोई डिटेल्स जानती है? मुझे नहीं लगता कि उसने तुम्हारी फोटो भी देखी होगी, वो सिर्फ तुम्हारा नाम जानती है। ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं खुद फेस करूंगा। ठीक है करो। का नाम एन वेंकटेश्वर राव, सही है ना? ओ तो तुम हो। मैं सरिशा हूँ। नाइस नेम, बहुत अच्छा नाम है। बहुत अच्छा है, ये चिंता गोपालचंद से भी अच्छा है। मेरा मतलब वो नहीं था, मेरे एक फ्रेंड का नाम भी एन वेंकटेश्वर राव है, तो एक ही नाम के दो लोग हो गए ना। वो तीन है और तीसरा भी यहीं पर है। अगर बच्चों की पढ़ाई अमेरिका में हो तो? जहाँ आपकी बच्ची चाहे वहाँ पढ़े, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी?
मैं एक कॉल करके अभी वापस आता हूँ। हेलो पापा, शादी का प्रपोजल कैंसिल कर दीजिए। मैंने पहले ही एक लड़की चुन ली है, मुझे लगता है कि वो वही है। पापा, अगर कोई ऑफिस से पिंग करे तो बीआरबी के साथ जवाब देना, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है ना। अबे, तू दिए हुए रोल को अपने आप से इम्प्रोवाइज क्यों कर रहा है? तुम इसे वैसे भी नहीं चाहते हो, मुझे अपनी कोशिश कर लेने दो। मैं उसे पहले H4 के साथ ले जाऊंगा, फिर अपने कंसल्टेंट के थ्रू SAP पर ट्रेनिंग लेकर H1 में कन्वर्ट करा लूंगा। हर घंटे $75 कमा सकते हैं, एडिसन में यही अच्छी कमाई है, वहाँ के स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। मैं जानता हूँ तू बहुत अच्छा है, लेकिन अभी जो बताया वो जाके करना यार, अगर तू स्क्रिप्ट के बाहर जाएगा तो रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। मैं हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे फ्रीडम नहीं दे रहे हो। जाता हूँ। सॉरी मैडम, आप मेरे टाइप की नहीं है। हा? देखो बुरा मत मानो, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। लेकिन एक मिनट पहले क्या हम एक मिनट पहले मिले थे? मुसाफिर का कोई ठिकाना नहीं होता। हेलो पापा, मैं टूट चुका हूँ। अरे प्रभा, उसने क्यों कहा कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच बताऊं तो मेरा भी उससे बात करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन वो कितना घमंडी है, अगर वो तुमको पसंद नहीं करता तो उसे कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मुंह पे बोलने की? क्या हुआ प्रभा, क्या सोच रही हो? लगता है मुझे फिर से उससे एक बार बात करनी होगी। हाँ? पर उसने कह दिया ना तुम्हें पसंद नहीं करता। वो अकेला नहीं है जिसने किसी को पसंद नहीं किया। मतलब? इतनी देर कहाँ रह गए थे? पेट्रोल भरवाने लगा था। हाँ तो इतने गुस्से में क्यों, मीटर चेक नहीं किया? नहीं किया मैंने, ना ही पेट्रोल के लिए किया और ना ही शादी के लिए किया। रुको, यहाँ बैठो। ये सब तो 5 साल पुरानी बात है ना, अभी सदियों पुराने मामले को उठाने का क्या मतलब? क्या गारंटी कि वो तुमको पसंद करती है, और क्या गारंटी है कि वो तुमसे शादी कर ही ले? ऑलरेडी शादी के लिए कई सारे रिश्ते तलाश रही है, तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देता? एक बार उससे मिल लूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इतने सारे प्रॉब्लम्स है उसका क्या? एक बात बोलूं, प्यार में पड़ना नहीं चाहिए और प्यार में डरना नहीं चाहिए। लेकिन तुम जिसे प्यार करते हो वो तुम्हारे बॉस का भी प्यार है। लेकिन मेरे जैसे नाम वाले आदमी को देख के वो बहुत उदास हो गई थी। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो तुम्हारा नाम सुनकर उदास नहीं होगी? देखो वेंकी, शादी दोनों लोगों की मर्जी से होती है, केवल तुम्हारे पसंद करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं वो ही हूँ जिसे वो पसंद करती है। पहले उसके बारे में अच्छे से सोच लो, अगर कुछ भी हुआ तो लड़की और नौकरी दोनों से हाथ धो बैठोगे। मेरी सलाह मानो तो उसे भूल जाओ वेंकी। प्यार का कोई इलाज नहीं होता है, जैसे हमारे पास सरदर्द का इलाज नहीं है। प्यार निमोनिया की तरह होता है, दवा ना लेने पर 3 दिन में ठीक हो जाता है। तुम्हें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। मैं चुपचाप नहीं बैठने वाला। आई थिंक मैं भी उसे प्यार करता हूं। अच्छा है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन क्या ये वही शीर्षा है जिससे मिस्टर उदय शादी करना चाहते हैं? प्रभावती। हाँ, जो भी उसका नाम हो। देखो वो, मैं इन सब मामलों को संभालता हूँ, लेकिन उस लड़की से मिलने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? मैं चलता हूँ। तुम जानते हो ना कि हर संडे को तुम्हारे पापा का ट्रीटमेंट होता है, फिर भी क्यों चले जाते हो? सॉरी माँ। चलो आओ। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। आज के मुख्य समाचार एन भानुमूर्ति के साथ। बॉलीवुड में कहो ना प्यार है नाम की फिल्म में राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन ने अच्छा काम किया है और अपने पिता का नाम बढ़ाया। अमेरिका में जॉर्ज के बेटे ने अपने पिता के कदमों पर चलते हुए इंडस्ट्री में कदम रखा। उनका कहना है कि वो भी अपने पिता की तरह महान बनेंगे, एक स्टार। और अब खेल क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए योगराज सिंह के बेटे युवराज सिंह ने एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए। दूरदर्शन में समाचार पढ़ते पढ़ते मैंने इस दुनिया में समाज में बहुत नाम अर्जित किया, लेकिन मेरे बेटे को एक लड़की से
सॉरी पापा, वो कल तक नहीं थी, पर अब मैं ठीक हूं। मानता हूं कि पहले दुखी था, लेकिन अब मैं खुश हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं हमेशा खुश रहूंगा। और एक बात यह भी सच है, आपने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं ये बनूं वो बनूं। बचपन से ही आप मेरे हीरो हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपकी आपकी तारीफ करता है, तो मैं भी आपकी तरह बनना चाहता था, और मैं बनूंगा, जरूर बनूंगा। आपको मुझ पे गर्व होगा पापा, देखिएगा। तुमने मौके पे प्लान चेंज कर दिया। मुझे याद है तुमने कहा था तुम उसे पसंद नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं। हाँ, तो मैं श्रीशा के पीछे पीछे चलूंगा। मैं जानता हूं कि तुम बुद्धिमान और स्मार्ट हो, इसलिए तुम्हें यह डिवाइस दे रहा हूं जो तुम्हारी बहुत मदद करेगी। तुम मुझे कोचिंग देते रहना कि मैं कब कहां क्या बोलूं कैसे करूं, है ना? फिर मैं लड़की को प्यार में फंसा लूंगा। ये तुम्हारे लिए द ब्लूटूथ, बोलो क्या बोलते हो? तो मैं जैसा जैसा आपसे कहूंगा तो आपसे वो लड़की फंस जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम में आपका रैंक क्या था? एनआरआई कोटे से है। प्लान पसंद नहीं आया? वेंकी, जानते हो उस आदमी को क्या कहते हैं जो अपने प्रॉमिस को तोड़ता है? एन वेंकटेश्वर राव कहते हैं। मैं जानता हूं सर, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है सर। ये लो 3G फोन। अब से तुम मुझे इंश्योर करोगे कि मैं बेवकूफों की तरह बात ना करूं। अभी ये प्लान ठीक लग रहा है सर, लेकिन क्या आप जिंदगी भर मुझसे ऐसे ही हेल्प लेते रहेंगे? जरूरत पड़ने पे तो हेल्प करोगे ना? मुझे लगता है इसका चार्जर मैं कार में ही भूल आया हूं। मैं उसे लेके आता हूं, तब तक तुम बिल पे कर दो। ओके, कितना हुआ? 310 रुपए सर। तुम कैसे हो वेंकी? अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मुझे मुझे जाना होगा। तुम नाराज हो ना कि मैंने तुम्हें बिना बताए वाइजैक छोड़ दिया? ऐसा कुछ नहीं है। मेरे साथ एक कप कॉफी क्यों नहीं पीते? फॉर ऑल टाइम सेक। तुम्हारी फोटो देखकर मुझे पुराने दिन याद आ गए। इट वॉज सच अ नाइस टाइम, नाइस फीलिंग। हम जवान और मूर्ख भी तो थे। तुम फिर कभी वाइसक गए थे? नहीं। क्या तुम वापस गई थी? तुम्हें क्या लगता है? तुमने मुझे देखने से पहले दोबारा कभी नहीं याद किया? तुम मुझे देखकर भी वहां से भाग गए थे ना? वैसे तुम भी तो पहली बार गायब हो गई थी, क्या कहती हो? लेकिन आज यहां मैं अपनी मर्जी से आई हूं। नहीं, मुझे देखने के बाद तुम मुझसे मिलने आई हो, नहीं तो अब तक तुम प्रभावती मुखर्जी या कुछ और बन चुकी होती। मैंने सही कहा ना? मैं प्रभावती वेंकटेश्वर राव बनना चाहती हूँ। और तुम्हारे साथ कुछ हसीन पल बिताने के लिए यहाँ आई हूँ। तुम ऐसे ही बातें करती रहो, मैं अभी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? बाथरूम जा रहा हूँ। सर मुझे चार्जर दीजिए, मैं चार्ज करके आता हूँ। आप चलिए सर। वेंकी, 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 सिरसा वहाँ है, मैं जाके बात करता हूँ, तुम जाओ। सर, अच्छा सुनो, एक काम करते हैं, एक प्लान करता हूँ। तुम वॉशरूम में जाओ और मुझे कोच करो। ओके, जाओ अंदर, जाओ सर। हेलो। हे, हे, हाय। तुम यहाँ पर? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो ताजी हवा लेने आया था। ताजी हवा लेने आया था? ताजी हवा? तुम? मैं ताजी हवा खाने यहाँ नहीं आई हूँ, मैं अपने एक दोस्त से मिलने यहाँ पर आई हूँ। अरे मैं अंदर हूँ। नाम मत बताना, नाम मत बताना। क्यों, तुम्हें सस्पेंस पसंद है? Tell me something. मैं क्या कहूं? You say something. तुमको मेरे जूते पसंद है? क्या?
लेकिन तुमने तो चप्पल पहनी है। तुमको मेरे जूते पसंद आए? अच्छे हैं। कितना अजीब है। सच सच बताओ, ये कुछ ज्यादा ही ब्राइट और चमकीला नहीं है? लेकिन ये जूते तो लगते नहीं है, ये चप्पल है। अमेरिका में इसे फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। नहीं, अच्छे हैं। तो अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसे जूते पहनता है, तुम्हारे साथ मूवी या शॉपिंग के लिए जाता है, तो तुम्हें इंसल्ट फील तो नहीं होगा? नहीं, उनकी क्या गलती है, ये सच में बहुत अच्छे हैं। फिर मैं इन जूतों को पहन के आ जाऊंगा। आज मेरे साथ डिनर ज्वाइन करोगी ना? कौन से रेस्टोरेंट में जाएंगे, ताज या कहीं और? अभी नहीं सर, मेरे दोस्त बाहर वेट कर रहे हैं। मुझे लगा कि तुम मुझे देखकर बहुत गुस्सा हो जाओगे। मैं अपने आप में अच्छा फील नहीं कर रही थी, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए होगा। हम एक बार फिर से डिनर के लिए जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं, पर मैंने अभी लंच किया है। फिर से डिनर? मुझे कहीं नहीं जाना। अरे लेकिन मैं तो मान गया जब तुमने मुझसे कहा। अब मैं कह रहा हूँ तो तुम्हें भी मान जाना चाहिए, यही रूल होता है। मैं रूल फॉलो नहीं कर सकता, जरूरत पड़ी तो फाइन भर दूंगा। ये भी ठीक है, पर मैं ये नहीं चाहती, चीजें बेवजह कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। बाय द वे, तुम अभी किसी दोस्त की बात कर रही थी? तुम तो किसी दोस्त के बारे में बात कर रही थी। कौन है वो दोस्त? क्या वो हैंडसम है? क्या तुम उसे पसंद करती हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? हे, ऐसा कुछ नहीं है सर, हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसकी फैमिली को जानती हूँ। ठीक है, तो फिर फ्राइडे को शाम को 7 बजे ताज बन जा रहा। ओके, तो फ्राइडे शाम 7 बजे ताज बन जा रहा मैं। देखिए, आप मुझे बहुत फोर्स कर रहे हैं, पहले जो करने आया हूँ वो कर लूँ। थैंक्स वंकी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कल तुमको ऑफिस में मिलूंगा, अभी निकल रहा हूँ, कल मिलता हूँ। सॉरी, आने में देर हो गई, बोर तो नहीं हुई? एक फ्रेंड से बात कर रही थी जिसे मैंने छोड़ दिया था, बहुत फनी है वो। ये गेस करने में सिर्फ 1 मिनट लगा कि वो कहना क्या चाहता है। तो तुम उसे जानती हो? शादी के थ्रू। हाँ? मैं उससे एक शादी में मिली थी। लेकिन तुम तो मंदिर में किसी लड़के से मिलने आई थी। मैं अभी 25 साल की हूँ। तुम जानते हो कि मैं हमेशा से जमीन से जुड़ी हूँ और मैं प्रैक्टिकल हूँ। हाँ हाँ, अच्छी तरह से जानता हूँ। और तुमने कहा था कि तुम्हारी निगाहें हमेशा आसमान पे रहती हैं। तुम न्यूज़ रीडर बनने वाले थे ना, क्या हुआ? सुनो, मुझे जाना होगा। हम फिर कब मिलेंगे? फ्राइडे शाम 7 बजे। फ्राइडे शाम 7 बजे? उस वक्त मुझे कुछ और अटेंड करना है। तो ठीक है, वही अटेंड करो। ए प्रभा, गोपाल राय को बता दे कि तुमको उदय का प्रपोजल पसंद है। चाहो तो हम कोई और रिश्ता देख लेते हैं, पर तुम्हें इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलने वाला। किसी और प्रपोजल को मत ढूंढिए। तो हम शादी की तारीख तय कर लें? मैं वैंकी से ही शादी करूंगी। पर कैसे? मैं आज वैंकी से मिलने जा रही हूँ और उसी से पूछ लूंगी। अगर उदय की तरफ से फोन आया तो क्या कहेंगे? मैं आज उदय से भी मिलने वाली और उसे साफ साफ बता दूंगी। नहीं प्रभा, कन्फ्यूज हो सकता है, एक साथ दोनों को क्लियर मत करो, समझी? मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो ना भैया। मुझे नहीं पता है कि तुम क्या करोगी। अगर तुम 1 हफ्ते में फाइनल नहीं करती हो तो मैं वही करूंगा जो मुझे पसंद है। हेलो, मैं हूँ। अरे इधर तो मैं हूँ। वेंकी प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अगर गुस्सा होना है तो हो जाओ प्लीज। क्या तुम एक बार मुझसे मिल सकते हो? हाँ क्यों नहीं, अगले हफ्ते मुझे छुट्टी मिलेगी, तब मिल लेते हैं। वेंकी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी मिलना है तुमसे। हम आज मिलेंगे, मेरे लिए मेरी एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं इसे तुम्हारे लिए कैंसिल कर दूंगी। क्या हम 7 बजे मिले? जरूरी नहीं है, तुम अपना काम कर सकती हो। 9 बजे के बाद मिलते हैं। बाय प्रभा। कौन थी? वाइजैक वाली प्रभावती? तुम फिर उससे कहाँ मिले? मैं एक दिन शादी के कपड़ों में गया था ना। शादी के कपड़ों में चले गए? कम से कम हमें तो इनवाइट करोगे ना। वो मुझे बुलाएगी तो मैं भी बुलाऊंगा, ठीक है ना माँ? तुम्हारा मतलब क्या है सर?
विंकी, तुमने कभी कोई लव लेटर लिखा है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं सर? अरे नहीं यार, मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक लेटर लिखो। क्या सर, मैं आपके लिए लव लेटर क्यों लिखूंगा? लेकिन आप चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, उस पे साइन मैं कर दूंगा। लेटर तुम लिखोगे, साइन मैं करूंगा। आज रात डिनर पे मुझे शीर्षा को देना है यार। ऐसा है क्या सर? ये नहीं हो सकता, प्यार आपका है, लेटर मैं कैसे लिख सकता हूँ? प्यार मैं करता हूँ, पर प्यार तुम्हारे अंदर भरा है, इसलिए तुम ही इसे लिखोगे। सर बकवास बंद करो और शुरू हो जाओ, कुछ टीम वर्क दिखाओ यार। विंकी, तुम्हें क्या लगता है वो आएगी? अगर वो नहीं आई तो? अगर वो नहीं आई तो ऑर्डर पार्सल ले आइएगा। अरे नहीं यार, क्या बोल रहा है तू? लेटर उसके आते ही दे दूं या जाने से पहले दूं? सर ये मूवी का टिकट नहीं है जो आप एंट्री करने पे दिखाएंगे, लव लेटर है, देने से पहले रोमांटिक फील कराना होगा। सर क्या लाऊं आपके लिए? ओके विंकी, विंकी वो आ गई यार, बस तू लाइन पे रहना। ओह हाय। तुम हमेशा अपने कानों में ब्लूटूथ क्यों लगाए रखते हो? वो भगवान विष्णु के चक्र की तरह। ये भगवान विष्णु के चक्र की तरह है, भगवान शिव के त्रिशूल की तरह। जैसे भगवान शिव त्रिशूल लगते हैं, वैसे ही मैं ब्लूटूथ लगा के रखता हूँ। तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। थैंक यू, एक नई दोस्ती के लिए। इसमें नया क्या है? मुझे लगता है कि ये हमारी चौथी मुलाकात है। सही है, लेकिन मुझे कन्फेशन करना है। कन्फेशन? ये कोई चर्च नहीं है और मैं फादर भी नहीं हूँ। लेकिन तुम्हें मेरी प्रार्थना सुननी चाहिए। दोस्ती की शुरुआत में मैंने कुछ झूठ बातें कही थी। इंटरेस्टिंग, गो ऑन। दरअसल मैं एक बहुत ही साधारण आदमी हूँ। मैं जानता हूँ कि मोहम्मद रफी एक फेमस सिंगर है, लेकिन मैं उनके गानों के बारे में नहीं जानता। मुझे लगता था पेंटर रवि वर्मा डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा के रिश्तेदार हैं। जब कभी ट्रेवल करना होता है तो मैं अपने पीए से टिकट बुक करवाता हूँ। यही मैंने तुमसे झूठ बोला था। लेकिन मैंने तुमसे झूठ बोला था। पर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। सर आपके लिए कुछ लाऊं? देखो उदय, मुझे नहीं पता तुमसे कैसे कहूं। नहीं बस जस्ट इडली। नहीं बस जस्ट इडली। Really? IDLY. IDLY? I do love you. I do love you. उदय मैं कैसे कहूँ? मैं 5 साल पहले अपनी नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए गई थी। हमारे यहाँ की इडली बहुत स्पेशल है सर। ओ, गुंटूर चाचा जी। गुंटूर चाचा? Why Zach? नानी। ओ। मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुमसे मिलने से पहले मैंने शादी के लिए 3 लड़कियाँ देखी थी। मैं हर लड़के से मिलते वक्त एक ही बात सोचता था। लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? Why? Actually क्यों? अगर तुम मेरे सामने हो तो मैं किसी और लड़की से शादी कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें पता है उस वक्त मैं लड़कियाँ क्यों देख रहा था? क्योंकि तब तुमसे नहीं मिला था। लेकिन जब से मैं तुमसे मिला हूँ, ये सच है कि जब से मैं तुमसे मिला हूँ, जितना कुछ भी मैं सोच सकता था वो सब तुम हो बस, और कोई आंखों में बसता ही नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे अलावा किसी को देख नहीं पा रहा। मैं तुम्हारे अलावा और किसी को नहीं देख पाता। तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पे कुछ है। चला गया अभी? तुम्हारे चेहरे पे सुंदरता है। सर अदरक की चटनी है नारियल की? और हाँ, तुम्हारे मिटाने से ये नहीं जाने, ये सुंदरता कहीं नहीं जाएगी। अदरक की चटनी है नारियल की? सुंदरता क्या है? अदरक की चटनी लगी है नारियल की? खूबसूरती का मतलब देना। सर अदरक की चटनी है नारियल की? खूबसूरती का मतलब बताइए ना, कौन सी चटनी? बताइए ना सर। खूबसूरती का मतलब खूबसूरत आंखें, नाक, होंठ, मतलब
सुंदरता जो बाहर दिखती है वो जो बाहर दिखती है एनीबॉडी एनीबॉडी सुंदरता क्या बाहर ही होती है? नहीं, जो बाहर दिखता है वो नहीं, मेरा मानना है कि किडनी लीवर और फेफड़े भी खूबसूरत होने चाहिए। कुछ समझी नहीं। सर अदरक की चटनी है नारियल की। I'm sorry उदय, मैं नहीं जानती कि तुम्हें कैसे बताऊं। वाइजैक में अदरक की चटनी है नारियल की। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, कुछ मत कहो। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, कुछ मत कहो। आप नहीं उदय, मैं तुम्हें और इंतजार करने नहीं दे सकती। मैं I hate myself। देखो ना, मैं सीधे तुम्हारी आंखों में भी नहीं देख पा रही हूँ। तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल मछली की तरह। तुम्हारी आंखें भी बहुत अच्छी हैं। मेरी आंखें? मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई खासियत है। लेकिन जब मैं तुम्हारी आंखों में देखता हूँ सर अदरक की चटनी लेंगे या नारियल की चटनी? मैं नारियल की चटनी के साथ खाऊं या अदरक की चटनी के साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? मैं नारियल की चटनी के साथ खाऊंगा, दूसरा अदरक की चटनी के साथ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? व्हाट? सॉरी, ये आज पिटवाएगा। आई एम सॉरी। नो, इट्स ओके। मुझे 9 बजे एक दोस्त से मिलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर कल मिलते हैं? नॉट पॉसिबल, मेरी फैमिली मेंबर्स बाहर जा रहे हैं, तो मुझे एक्वेरियम की देखभाल करनी होगी। वेंकटेश्वर ने मुझे 7:30 बजे यहाँ बुलाया था। ये लड़की उसके साथ है, कुछ तो गड़बड़ है। आप लेटर भूल गए सर। श्री, मैं जो तुमसे कह नहीं पाया वो सब इसमें लिखा हुआ है, मतलब लिख करके साइन किया है। तू ही है मेरा, मैं भी हूँ तेरी, तुम ही तो हो मेरे। तू मेरे बन्ना, मैं तुमसे कहती, तुम ही जीवन मेरे। ना तू जाना कहीं आना मेरी गली और मेरी जिंदगी। तू ही है तमन्ना, मैं तुझे ही चाहूं, तू ही मुझको सच्चा लगा। तू ही दिल का धागा, मैं तुझे ही बुनती दिल में मेरे, तू ही आरा। तुझे मैं कह दूं आ जा पास मेरे, आ ना बाहों में मेरी। हेलो प्रभा। वेंकी, मेरे साथ गेम मत खेलो प्लीज। अगर तुम मुझसे नाराज हो तो हम बात करके खत्म करते हैं ना प्लीज। नाराज? मैं वाला तुमसे कैसे नाराज हो सकता हूँ? मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम भी मुझे बहुत चाहते हो, फिर भी तुम किसी लड़के की तलाश में हो। वेंकी प्लीज, मैं अक्सर गर्मियों की उन छुट्टियों के बारे में सोचती हूँ, मेरी लाइफ के तो सबसे खूबसूरत महीने। वेंकी, अगर तुम मेरे साथ हो तो मेरा बाकी का जीवन भी इतना ही खूबसूरत होगा। आई रियली बिलीव इट। बहुत दिन हो गए, उस वक्त अगर मैंने कोई क्राइम किया होता तो अब तक रिलीज हो जाता, लेकिन मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ। तुमसे बहस करने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैं सीधे सीधे पूछती हूँ, तुम मुझसे शादी करोगे? प्लीज। सॉरी प्रभा। तुमने ये लेटर देखा? उसने कितनी खूबसूरती से लिखा है। यहाँ आते वक्त मैंने इसे 3 बार पढ़ा है।
क्यों, पढ़ के एग्जाम देना है क्या? शट अप। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तरस रही हूँ। तो जाके उनसे शादी कर लो, जाओ। छी। हेलो, मछलियों को खाना देना मत भूलना। ठीक है। दूध वाला आएगा, मैंने बर्तन बाहर रख दिया है। ठीक है। आप थोड़ा उदय के बारे में भी सोच लो। भाभी, मुझे उनके उस बर्ताव को देखने का सौभाग्य। एक मिनट। हेलो एंजल, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने कहा था ना कि आज घर पे कोई नहीं है, इसलिए चला आया और साथ में फूल भी लाया हूँ। अभी मेरा मूड बहुत खराब है। बॉस, जल्दी करो ना, बैटरी लो है। मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बैटरी लो है ना। यू नो व्हाट, आई एम सॉरी, इतना पेशेंस रखने के लिए थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अंदर आ जाओ। थैंक यू। मैंने तुम्हारा लेटर पढ़ा। रियली? क्या लिखा था, तुम्हें पसंद आया ना? मतलब नहीं, मैंने लिखा था लेकिन पढ़ा नहीं था ना। ओ सॉरी, मैंने कॉफी तो पूछा ही नहीं। थोड़ी चाय और चिप्स लोगे? ठीक है। हेलो 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 वेंकी, हेलो बॉस, आप कहाँ हैं? सिग्नल नहीं आ रहा है। वेंकी वेंकी वेंकी, हेलो हेलो वेंकी, हेलो 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 वेंकी, हेलो। आज रात उसे प्रपोज करने का सोचा था, लेकिन बालकनी में कहीं सिग्नल नहीं है और तुम्हारा फोन चार्ज नहीं है, अब मैं क्या करूं वेंकी? सर, आपके लिए एक बैड न्यूज है, मेरे फोन में बैलेंस कम है, फोन कभी भी कट सकता है। बैलेंस नहीं है? तुम अपना फोन कट करो, मैं कॉल करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, शिक्षा यहाँ है, बात करते रहो, बात करते रहो। हाँ? कितने अजीब हो तुम, यहाँ आकर बात क्यों नहीं करते, वहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं कितनी देर बात कर सकता हूँ, टॉक टाइम कम है ना। आओ पहले यहाँ आकर बैठो। मैं हमेशा यहाँ बैठना पसंद करती हूँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। ये पौधे, ये सर्द हवाएं, ये पूर्णिमा, और क्या चाहिए हमें? मोबाइल का नेटवर्क नहीं है ना, अगर होता तो कितना अच्छा होता। क्या हो गया है तुम्हें? सच कहूं तो जिस तरह से तुमने अपनी फीलिंग्स दिखाई है, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक गॉड, तुमने मुझे पसंद नहीं किया? मैंने ऐसा नहीं कहा, एक्चुअली उस वक्त जो मेरी हालत थी, मैं रिएक्ट नहीं कर पाई। तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगा ये बताओ। ये मुझे अभी बताना पड़ेगा क्या? इसके बारे में बाद में बात करते हैं ना, जब नेटवर्क होता तो। सब कुछ तो लेटर में लिख दिया ना, अब और क्या बोलूं? जो चीज मुझे तुम में सबसे ज्यादा पसंद आई वो है तुम्हारे बात करने का तरीका। वेरी फनी। प्लीज लेटर में नहीं, मुझे तुमसे सुनना है। ना बैटरी है, ना सिग्नल है, ना बैलेंस है, कुछ छोड़ के मुझे ही कुछ करना होगा। प्लीज प्लीज प्लीज, छोड़ 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 अरे छोड़ 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 ए क्या कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? आई लव यू सिनी,
मैं ये अंगूठी पहना के तुम्हें शादी के लिए राजी करना चाहता था, लेकिन टेंशन में कुछ और ही कर दिया। सॉरी प्लीज, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो और समझने की कोशिश करो। कुछ भी समझ के मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे नहीं मालूम कि तुम क्या समझोगी। प्लीज इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। वेंकी गजब हो गया, वेंकी सब कुछ खत्म हो गया यार, मैं क्या करूँ। धीरे बोलिए सर, चिल्लाइए मत, बताइए ना क्या बात है। मैं उसे अंगूठी पहनाना चाहता था लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। वो पूछेगी कि सब क्यों किया। प्लीज वेंकी प्लीज कुछ करिए यार। सर अभी अंधेरा है सर, वो देख नहीं पाई होगी किसने बोला है। आप टेंशन मत लीजिए, चलिए मेरे साथ, सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आइए आवाज दीजिए सिरी, जोर से सर सिरी। वो आ गई, अब मैं क्या करूं। सॉरी बोलिए सर। आई एम सॉरी वेंकी। अरे मुझे नहीं, आई एम सॉरी सिरी। तुमने ऐसी हरकत क्यों की बताओ। वो क्या कि मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं बेवकूफ हूँ। क्योंकि वो बहुत बड़ा बेवकूफ है। वो कौन? वो मतलब मैं मेरा मतलब मैं कुछ करना यार वेंकी। हाँ सिरी सिरी, तुमने आवाज क्यों बदल दी? जब भी मैं गाना गाता हूँ अपनी आवाज बदल लेता हूँ। तुमने पूछा था ना मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताओ मैंने ऐसा पहले क्यों नहीं किया। जब तुम मेरे सामने होती हो, जब तुम मेरे सामने होती हो तो सिर्फ तुमसे ही नहीं, तो सिर्फ तुमसे ही नहीं खुद से भी बात करने में बहुत मुश्किल होती है। मुश्किल हो जाता है। अरे कुछ आसान से बताना यार। I'm sorry, मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, प्लीज वापस ऊपर आ जाओ प्लीज। कहो ना तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। अब तुम कहो कि तुम मुझसे शादी करोगी। वेंकी अभी एक लड़ाई खत्म नहीं, तूने दूसरी शुरू कर दी यार। विल यू मैरी मी। I love you. चलो अब शादी कर लेते हैं, चलो हंसी खुशी शादी करते हैं। बस भी करो, चलो ऊपर आ जाओ जल्दी। वंडरफुल, लगता है दोबारा पूछूंगा तो वो मान जाएगी। मैं जाऊँ ना? हाँ, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, वो मान गई। सच में वो मान जाएगी यार, मान जाएगी। तू तो बहुत अच्छा है। मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। यस। आजकल रात रात भर कहाँ रहते हो तुम? मैं सब जानती हूँ। क्या कर रहे हो? खुद को धोखा दे रहे हो, प्रभावती को धोखा दे रहे हो और साथ ही उदय को भी धोखा दे रहे हो। ये सब धोखा नहीं है माँ, मैं सच में प्रभावती को पसंद नहीं करता। अच्छा तो सच में तुम्हारे पास उसे पसंद करने का कोई कारण नहीं है? हाँ माँ। तो फिर ये सब क्या है? अगर कोई कटरीना से शादी करने के बारे में सोचता है। माँ आप गलत नाम पढ़ रही हैं, करीना। हाँ तो क्या? माँ मैं पापा के सपने को पूरा करने के बहुत नजदीक हूँ, इस वक्त मैं कुछ गड़बड़ नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल ना समझ है बेटा, अगर इसके बाद वो तुझे अपने न्यूज चैनल में न्यूज रीडर बना भी देता है, कल को जब प्रभावती वहाँ आएगी वो तुम्हें ऑफिस में काम करते हुए देखकर उदय से पूछेगी कि वेंकी यहाँ क्यों है, तो फिर वो क्या कहेगा बताओ? आपको लगता है वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है? वो सिर्फ तेरे साथ खेल रहा है। बेटा अगर तुम्हें न्यूज रीडर बनना ही है तो इस चैनल में ना सही तो किसी और चैनल में बन सकते हो ना, लेकिन प्रभावती के अलावा किसी और लड़की से शादी कर सकते हो क्या? तुम्हारी कई लड़कियों से दोस्ती रही है लेकिन तुमने उनके बारे में कभी ऐसे जिक्र नहीं किया जैसे तुम प्रभावती के बारे में करते हो। मेरी बात मान लो बेटा और जल्दी से फैसला कर लो। Thank you.
Hey, congratulations. किस लिए? आज शाम की न्यूज का पहला टेलीकास्ट तुम्हारा है. मैंने सुना है बॉस की शादी तय हो गई है. ये क्या किया वेंकी? इस नौकरी से इस्तीफा देकर मैरिज ब्रोकर बनना चाहते हो? तुमको ऐसा करने में शर्म नहीं आती? छी छी. हे वेंकी, अंदर आओ. तुम्हें पता है आज मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, लेकिन मुझे भी बाहर जाना होगा क्योंकि मेरी एक इम्पोर्टेंट एंगेजमेंट है. एंगेजमेंट? सिरिशा के साथ एक छोटी शॉपिंग. एंगेजमेंट? माय एंगेजमेंट. कल सिरिशा के साथ मेरी एंगेजमेंट है. मुझे आपको कुछ देना है सर. कहीं तुम रिजाइन तो नहीं कर रहे हो? है जी श्रीमान. अब आपको सच्चाई से रूबरू कराने आ रहे हैं वामन राव. सच्चाई बताने के लिए अब आपके सामने बैठे हैं वामन राव. सॉरी मिस्टर वामन राव सर, बॉस आपको एक और मौका देंगे, थोड़ा वेट कर लीजिए. सुनो कल्याणी, मैं एक प्रैक्टिकल मैन हूँ. पैंट भूल गए हैं आप अपनी? हमें स्क्रीन पर दिखने वाले कपड़ों पे पैसे खर्च करने चाहिए, और जो ना नजर आए उस पर खर्च करने की क्या जरूरत है, वो सिर्फ वेस्ट है. अब आप सबके सामने सच्चाई बताने आ रहे हैं वामन राव. सर, जिससे आप प्यार करते हैं वो मेरी प्रभावती है. वेंकी, तुम इतने टैलेंटेड हो कि कोई भी लड़की मिल सकती है, और मुझे लगता है कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड पहले से भी है. तुम्हारी शादी की खबर सुनते ही तुम्हारी सारी गर्लफ्रेंड्स इकट्ठी हो जाएंगी, महात्मा गांधी रोड जितनी लंबी लाइन लग जाएगी. इसलिए मेरी बात मानो, सिरिशा को मेरे लिए छोड़. नहीं सर, मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की को प्यार करता हूँ. वेंकी, दिस इज माई ऑर्डर. अगर तुमने सिरिशा को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा. सर, मैंने खुद रिजाइन दे दिया है, आप मुझे क्या निकालेंगे? तुम्हें 3 साल पहले की बात याद है, जब मैंने कॉलेज के एनिवर्सरी फंक्शन में तुम्हारी एंकरिंग देख करके तुम्हें अपॉइंट किया था? तुम्हें अपने सपने पूरे करने का मौका दिया मैंने. एहसान फरामोश, वफादारी का मतलब ही जानते हो तुम? मैं तुमसे इसलिए अच्छे से बात कर रहा हूँ ना क्योंकि तुमने मेरी हेल्प की है, वरना तुम्हारे जैसे लड़कों को तुम्हें खड़ा भी ना होने दूं. कभी टाइम पे तो आते नहीं हो, लेकिन सैलरी के लिए बराबर टाइम पे आते हो. सर, आपसे लव की फीलिंग तो एक्सप्रेस होती नहीं है, लेकिन नफरत बखूबी एक्सप्रेस करते हैं. इसीलिए मैं तुमसे ज्यादा नफरत करता हूँ, और उसीलिए ऐसा कर रहा हूँ. अगर आप प्रभावती से प्यार करते तो अपने प्यार का इजहार खुद करते, लेकिन आप उससे अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते क्योंकि आपने उससे कभी प्यार किया ही नहीं. सर, लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्रभावती से प्यार करता हूँ. सर, मुझे शाम के न्यूज रीडर वाली पोस्ट नहीं चाहिए, और ना ही आपकी सैलरी चाहिए. मुझे कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं अपना करियर खुद बना लूंगा. सर, 4 साल पहले मैं उससे प्यार करता था. और 4 साल के बाद क्या? उसके बाद भी मैं उसी से प्यार करता हूँ और उसी के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा. हाउ सैड. लेकिन सिरिशा सिर्फ मुझसे और मुझसे ही शादी करने वाली है. लेकिन मैं ये नहीं होने दूंगा. आज ही मैं उसे सब सच बता दूंगा. अबे तेरी तो. छोड़िए मुझे, छोड़िए. क्या कर रहे हैं सब? छोड़िए मुझे. नहीं, तेरी तो मुझे मारता है. अबे सर, सर छोड़ दीजिए. सर, सर गर्दन टूट जाएगी. सर क्या कर रहे हो? सर, सर छोड़ दो. सर प्लीज, सर क्या कर रहे हो? सर छोड़ दो. सर, सर 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 छोड़ दीजिए. सर सर आप ऐसा नहीं कर सकते. सर ये गलत है. सर सर आप मेरे साथ कुछ भी करिए, लेकिन प्रभावती मेरी है. अच्छा, प्रभावती तेरी है. प्रभावती तुम्हारी है ना? अभी बताता हूँ तुम्हें. जब तक मेरी एंगेजमेंट नहीं होती तब तक तुम ऐसे ही रहोगे, फिर शादी के वक्त सोचूंगा तुम्हारे साथ क्या करना है. सर, हमारा फर्स्ट न्यूज टेलीकास्ट 1 घंटे में स्टार्ट हो जाएगा. वेंकी आएगा तो शुरू करेंगे. वेंकी नहीं, वामन राव है. ऐसा क्यों सर? वेंकी ने रिजाइन कर दिया है. प्रोग्राम डायरेक्टर को भी इसके बारे में नहीं बताया. मैंने वामन राव को रेडी होने के लिए बोल दिया, बाकी तुम रेडी कर लो. वेंकी, तुम अंदर हो क्या? मुझे लग रहा है कि तुम हो.
अगर तुम अंदर हो तो अपने बाएं पैर से नॉक करो, लेफ्ट पैर से करो प्लीज। उसे अंदर जाते तो देखा था। ये क्या, अपना सुदर्शन चक्र पहनना भूल गए क्या आज? मुझे अभी तरीका समझ में आ गया ना, इसलिए खुद मैनेज कर रहा हूँ। शूज, तुम्हें शूज लेनी है ना? कितनी बार कहूँ कि ऐसे कमीज को मत खींचा करो, ये मेरी सिग्नेचर स्टाइल है। ये क्या हो गया तुम्हें, आज तुम इतनी बातें नहीं कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बंधन में बंधने के बाद कोई क्या बोल सकता है, मतलब मेरा मुंह बन चुका है। आज हमारे न्यूज प्रोग्राम का पहला बुलेटिन है, फिर भी मैं तुमसे मिलने के लिए आया क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सच में? सी आइडिया। आइए मैडम। क्या हम यहाँ पर न्यूज देख सकते हैं? नो प्रॉब्लम मैडम। प्रस्तुत करते हैं समाचार पावन राव के साथ। और प्रस्तुत है ये हमारा पहला समाचार कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ यूबी टीवी के माध्यम से, और हम अपने दर्शकों के सामने सच्चाई लाने का हर संभव प्रयास करेंगे। जहाँ विपक्षी दल एक वोट के लिए 2,000 रूपए दे रहा है, वहीं सत्ता पक्ष उसके लिए सिर्फ 1,500 रूपए दे रहा है। गुंटूर जिले के बोनूर मंडल के लोगों ने इस बात का दावा किया है, इससे वहाँ आंदोलन शुरू हो चुका है और बहिष्कार किया जा रहा है। उसके बावजूद बूथ पर 75% वोटिंग हुई है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। मशहूर सिने स्टार किरीट कुमार जानना चाहते कि उनका दूसरा बेटा विराट कुमार आजकल क्या कर रहा है, तो बने रहिए हमारी शाम की खबरों तक। अरे यार, न्यूज रीडर का ये काम कितना कठिन है सुब्बा रेड्डी। ए, वो लाइट नीचे लगाओ। कल्याणी, जब न्यूज पढ़ रहा था तो किसी को मेरे शॉर्ट्स दिखाई दिए, तो अपने वैंकी को बता दो न्यूज पढ़ने के लिए पैंट जरूरी नहीं है, दिल में हिम्मत होनी चाहिए। हम लाइव है सर। लाइव? अरे ब्रेक नहीं किया क्या? शाम की खबर में आपका स्वागत है। मशहूर फिल्म स्टार किरीट कुमार के दूसरे बेटे विराट कुमार भी जल्द ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए वो अपनी जी जान से मेहनत करते हुए हॉर्स राइडिंग, कराटे, जिमनास्टिक्स, ये सारी कलाएं सीखने के लिए वो इस वक्त हॉलीवुड गए हुए हैं। अब पेश करते हैं बिजनेस न्यूज़। स्टॉक मार्केट आज बहुत बुरी तरह से लुढ़क गया है। सोमवार को निफ्टी ने पहला ब्लॉक मारा 5,722 पर, फर्स्ट सपोर्ट वैल्यू 5,544 है। ये इतना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? स्टॉक मार्केट की खबर ही ऐसी है। अब हम लाए हैं देश के प्रमुख शहरों का वेदर बुलेटिन। वैंकी, ये तुम्हारा मौका है। 1, 2, 3 रोल। वातावरण विशेषज्ञ, मैं एन वेंकटेश्वर राव। वेंकी, वेंकी यहाँ क्या कर रहा है? सबसे पहले चलते हैं दिल्ली में। यहाँ का अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहता है, लेकिन एक बात है, यहाँ हर मिनट बादल मंडराते रहते हैं। मैं कभी दिल्ली नहीं गया, लेकिन मेरी प्रभावती यहीं पैदा हुई है दिल्ली में, इसीलिए मुझे यह शहर बहुत पसंद है। उसके बाद मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सबको छोड़ देते हैं, वाइजैक चलते हैं। मुझे यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा पसंद है। वेंकी टीवी पर है। प्रभावती की मुलाकात ये उदय टीवी पर क्या कर रहा है? हमारी पहली मुलाकात थिएटर में हुई थी, दोपहर का शो मौर्य थिएटर में, C16 C17। ब्लैक में टिकट ली थी हमने। पूरे 2 महीने वाइजैक में हमने छुट्टियां। क्या हुआ, क्या हुआ? डॉल्फिन नोज, आरके बीच, कैलाशगिरी वगैरह वगैरह। लेकिन उसके बाद कहानी में ट्विस्ट आया, गर्मी अपने समय पे 2 बार आके चली गई, लेकिन वाइजैक में प्रभावती वापस नहीं आई। क्या तुम मेरे लिए वाइजैक गए थे? उसके 4 साल के बाद मैं और प्रभा, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था, हैदराबाद में मिले। प्रभा, तुम भले ही किसी और के साथ होगी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा ही साथ चाहा है। I still love you, प्रभा। अगर मैं किसी को प्यार करता हूँ तो वो सिर्फ तुम हो प्रभा। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। कल्याणी, तुम्हें याद है बीच में तुम्हें कुछ लोगों ने कमेंट किया था, उनसे मेरा झगड़ा हो गया था, फिर जानती हो ना क्या हुआ था, मेरा जबड़ा टूट गया था। वैसे एक बात और बताऊं, अगर वो तुम्हें दोबारा कमेंट करते ना, तो मैं फिर से जाके उनसे झगड़ा करता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। उस
भी था, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच प्रभा, आई रियली लव यू, और मैं तुम्हें हमेशा करता रहूंगा। श्री 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 मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे वो निकल जाएगी। अरे मेरी बात तो सुनिए। अबे कौन है तू? अरे कहाँ जा रहे हैं? चल कौन है यार तू? चिंता गोपाल चंद। अरे तू कोई भी हो, मुझे रोक क्यों रहा है? अरे छोड़ मुझे, मैं जाने नहीं दूंगा। ये अरे मुझे बाहर तो निकाल। कोई शादी या शादी का प्रपोजल नहीं चाहिए। ऑटो, यूबी टीवी ऑफिस चलोगे? अजय टीवी ऑफिस जाऊंगा। मैं हैदराबाद के ऑटो वालों को अच्छी तरह से जानता हूँ, मुझे बात करने दो। ऑटो, अजय टीवी के ऑफिस चलोगे? मैं यूबी टीवी जाऊंगा। आइए बैठिए, चलिए इन्हें वहाँ छोड़ देना। H4 वीजा, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। चलो जल्दी, तुम्हें याद है? जल्दी चलो। शादी वाली बात ये है गोवा, अगर प्रभावती मान जाती है तो मैं अपना हनीमून यहीं मनाऊंगा। और ये है शिमला, बगल में मनाली है, प्रभावती जहां कहेगी वहां ले जाऊंगा। वेंकी, तो ये तुम ही हो जो पूरी कहानी को रिवर्स में बता रहे हो, है ना? हाँ, मैं सिर्फ वेंकी नहीं हूँ, बल्कि मैं तो कुकी भी हूँ। तुम बदमाश हो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम ही हो ना जिसने वो लेटर लिखा था। स्क्रिप्ट तो मेरी थी, लेकिन एक्टिंग मेरा बॉस कर रहा था। बॉस? अरे लग जाएगी। तुम इस तरह मेरी फीलिंग्स के साथ खेलोगे? अरे नहीं। हाँ? अरे आई पर प्रभा भी जाओ। तुम मेरी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे? I'm so sorry प्रभा। इतने झूठ क्यों बोले तुमने? मजबूर था प्रभा। वो तुम ही थे ना जिसने वो गाना लिखा था, कह दो ना ये झूठ है। और तुमने क्या किया? बहुत हो गया उदय, चलो ऊपर आ जाओ। वो तुम हो जिसे मैंने बुलाया था। अच्छा, लेकिन ऊपर तो मैं नहीं गया था ना, और ना ही मैंने तुम्हें अंगूठी पहनाई थी। मैंने मिलने के लिए शुक्रवार को बुलाया था, लेकिन तुम तो मेरे बॉस से मिलने चली गई और मुझसे झूठ बुला कि कुछ काम है। वेंकी, मैं उदय से मिलना चाहती थी ताकि उसे सच्चाई बता सकूं और कुछ नहीं। गाइस गाइस जस्ट रिलैक्स, होल्ड माय पिंकी। दीवाने हैं। क्या बात है? हेलो सर, हमारा प्रोग्राम तो हिट हो गया। सच में? हमारी TRP रेटिंग ने कंपटीशन को मात दे दी है। थैंक यू वेरी मच। सर ये देखा आपने? इसे तुरंत जॉब से निकाल दीजिए सर। हेलो। अरे बेटा तुमने आज टीवी देखा क्या? हाँ देखा मैंने, तुरंत उसे जॉब से निकाल रहा हूँ मैं। बेवकूफ, क्या तुमने देखा आज कितने लोगों ने न्यूज देखी? वेंकी अब एक बड़ा स्टार बन गया है। उसे जॉब से निकालेंगे तो हमारा नाम खराब होगा। लेकिन उसने मेरे साथ जो किया? हमारी TRP रेटिंग सबसे ज्यादा है, पर्सनल इश्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट TRP है। ये आपका फाइनल डिसीजन है? मेरी बात से सहमत नहीं हो? अब मेरा क्या होगा सर? क्या आप आर्थिक संकट से ग्रसित हैं? क्या आप पारिवारिक समस्याओं से पीड़ित हैं? क्या आपका स्वास्थ्य खराब रहता है? सही तरीके से पूजा करें तो शनिदेव प्रसन्न हो सकते हैं। तो आज ही खरीदें शनि विमोचन यंत्र। अगर आप फौरन ऑर्डर करते हैं तो इसकी कीमत होगी केवल 199 रुपए। कैमरामैन भाई, मैं ठीक से प्रेजेंट कर रहा हूं ना? तो अब मैं आपसे विदा लेता हूं। ताजा समाचार जानने के लिए देखते रहिए UBTV। वेंकी, आखिर तुम न्यूज रीडर बन ही गए। अपने बॉस के साथ क्या किया तुमने? क्या करता, मैं उन्हें ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता। तुम्हारे फेस पे कुछ लगा हुआ है। क्या है? हट गया क्या? थोड़ा थोड़ा राइट में, राइट में। तुम्हारे चेहरे पे खूबसूरती लगी है। ओह, कितना भी मिटाओ मिटेगी नहीं खूबसूरती।
Oh.